अच्छा, इस बीच एसजीएक्स निफ्टी की चाल में कुछ खास बदलाव है नहीं, 17,063 के आसपास यानी कि अब 50 अंकों की बढ़त पर कारोबार की शुरुआत होगी, इंडिकेशन बना हुआ है। हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। मंच में हमारा साथ आज दे रहे हैं प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, आशीष बहेती, कविता जैन और साथ ही साथ राजेश पालवे। आप सभी का स्वागत है। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, आज का ट्रेड है शॉर्ट साइड और वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन है भी वीक है तो वीक है शॉर्ट, और वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। ट्रेड कर रहा है करीब 749 के आसपास, स्टॉक होना चाहिए 755 पर, ज्यादा नहीं 10। मुझे लगता है जो रिसेंट लो हम 740 का देखता है, 740 उसको टेस्ट करने जा रहा है और शायद ब्रेक भी करे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स वीक नजर आता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स वीक नजर आता है, 750 रुपए रेट यहाँ पर, और आज तो मंगलवार भी है तो शायद उससे भी इम्पैक्ट, नवरात्रि प्लस मंगलवार, तो कॉम्बिनेशन यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए काफी वीक इस समय पर। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अजिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बंधन बैंक में बिकवाली करने की राय रहेगी अनुज जी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड क्लियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। कल एक इम्पोर्ट सपोर्ट जो की 198 के आसपास था उसको भी स्टॉक ने बीच किया, मेरा समझना है कि यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए करंट लेवल्स में बिकवाली करेंगे। 202 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, ये कैश लेवल्स है, और 190 रुपए तक के टारगेट्स आपको बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। 200 वाला पुट ऑप्शन अप्रैल का, वहां पर आप एक ट्रेड ले सकते हैं, वहां पर आप खरीदारी करिए उस पुट ऑप्शन की। 200 का स्ट्राइक प्राइस है, 10 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं, 7 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है 16 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो बंधन बैंक में एक सेल साइड का ट्रेड, 190 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, और चाहे तो आप 200 वाला पुट भी ले सकते हैं अगली सीरीज का, यानी कि अप्रैल सीरीज का, जो आपको करीब करीब 10 रुपए पर मिल रहा है। अच्छा गाबा साहब, आप अकेले नहीं है ये लिखा कंपनी में जो नेगेटिव व्यू बन रहा है। कल मानस ने भी मेरे ख्याल में बीटीएसटी के तौर पर यूबीएल पर एक शॉर्ट ट्रेड दिया था, और आपने कहा यूएसएल में एक शॉर्ट का ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो क्लियरली स्पेस है जहां पर वीकनेस परसिस्ट कर रही है। पालिया साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए आज का ट्रेड क्या रहेगा? आपको भी क्या मंदी का ये सौदा दिखा है? गुड मॉर्निंग अर्षिता जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो तेजी का ट्रेड है और उसमें हमें एसआरएफ यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके के सेटअप ओवरऑल एसआरएफ के बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में लॉन्ग साइड का ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है स्टॉक के जो टारगेट बन सकते हैं वो 2440-2460 की तरफ ये स्टॉक में अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुए थे वो इंटेक्ट है, तो यहाँ पे बाइंग करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब 2355 के आसपास रखेंगे। सारे फ्यूचर बाय करने की सलाह। ओके, सारे फ्यूचर्स बाय करने की यहाँ पर सलाह आपको पालवे जी की तरफ से। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आप क्या ट्रेड ले रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, शॉर्ट साइड होगा और वो होगा टेक्नोलॉजी से बिरला सॉफ्ट पर। कंटिन्यूअसली अपने सारे एवरेजेस के नीचे है, फर्दर एक्सटेंड हो सकता है, स्ट्रेंथ बता रहा है लोअर साइड, और फर्दर हम जाते हुए देख सकते हैं। 262 का क्लोजिंग दिया है काउंटर ने, 263 सेल ऑन राइज का एक अप्रोच रखेंगे, 263 तक इसे सेल करने की एक कोशिश करनी चाहिए। ऊपर में 265-50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डाउनसाइड मुझे लगता है 256 शुड बी द फर्स्ट टारगेट, अगर उसे ब्रीच करता है तो 252 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। सो बिरला सॉफ्ट पर एक शॉर्ट ट्रेडिंग। तो एक और शॉर्ट का ट्रेड आता हुआ बिरला सॉफ्ट, बंदी करके चले, 256 का टारगेट रहेगा। आशीष बहेती, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक है? हमें लग रहा है जा सकता है, तो 152-50 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली की सलाह है, और टारगेट ऑफ 145 के टारगेट के लिए। 145 के लिए ONGC फिसलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट ONGC
और ऑयल इंडिया के लिए कुछ और डेवलपमेंट्स भी है, उस पर नीरज जी को जोड़ेंगे। जो गैस प्राइसिंग पर किरित पारेख की कमेटी की सिफारिशें हैं वो शायद कल से लागू होंगी, उस पर आएंगे डिटेल में। लेकिन पहले ये सारे ट्रेड्स आपके लिए एक बार फिर रिकैप कर देते हैं। सिर्फ एक तेजी वाला ट्रेड है और बाकी सब मंदी वाले ट्रेड्स है। हमारे जब फंडामेंटल जानकार जुड़ेंगे उनसे जानेंगे वो क्या आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। लेकिन देखिए शुरुआत आज यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ, लेकिन ये एक सेल कॉल है। 740 का टारगेट, 750 का स्टॉप लॉस रखना है गाबा साहब का पिक। बंधन बैंक शॉर्ट करने की सलाह, 190 का टारगेट दे रहे हैं मानस, 202 का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर SRF 2440 के लिए खरीदारी का मौका ढूंढा है राजेश पालविया ने, 2460 के लेवल्स भी आ सकते हैं, स्टॉप लॉस 2355 का आप लगाएंगे। कविता जैन मंदी की तरफ ही है, बिरला सॉफ्ट में सेल साइड का ट्रेड, 256 पहला टारगेट रहेगा, 265 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर चले। और ONGC भी है जहां पर एक मंदी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे 145 के टारगेट के लिए, दरअसल ये एक शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है। चलिए इस बीच माय फंडामेंटल जानकार गौरांग शाह भी जुड़ गए। गौरांग गुड मॉर्निंग, बताइए सेटअप मिला जुला है, वैसे कुछ खास आतिशबाजी विदेशी बाजारों में नहीं हो रही है, कल भारतीय बाजारों में भी हाफ आवर में फिर से सेल साइड की पोजीशंस आई, आपने क्या ढूंढा है, क्या ट्रेड लेंगे आज सुबह? बहुत बहुत धन्यवाद अर्शदा आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। मंदी और बिकवाली थोड़ी बहुत हावी है बाजार में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और काफी लंबे समय से हम ऊपर के तरफ के दायरे कम और नीचे के तरफ के पड़ाव ज्यादा तोड़ करके और नीचे जा रहे हैं। अब जाहिर है छोटी या मध्यम अवधि के लिए अगर कोई कारोबार करता है, लेन बेच करता है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत सकारात्मक सोच रखते हैं और लंबी अवधि का निवेश की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल से जिस तरीके से सरकारी बैंकों में पिटाई हुई है, खास करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो मेरे ख्याल से करीबन 511 के आसपास कल बंद हुआ था, मुझे लग रहा है सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं हर्षदा, मेरे ख्याल से 2-3 और बैंक है जो हमें अच्छी लगती है, मिसाल के तौर पर कैराना बैंक हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। लेकिन अगर कोई एक विकल्प मुझे ढूंढना हो इस मंदी की चपेट में जो बाजार फंसा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतर विकल्प होगा, और ये 510-511 के आसपास अशिला नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लग रहे हैं। ओके, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक शायद अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए है, कल यहां पर भी ये पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिका लेकिन ऊपरी लेवल से फिजल आउट होता हुआ दिखाई दिया था, तो मौका खरीदारी का बन रहा है गौरांग शाह कह रहे हैं। चलिए अब खबरों पर आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे सुमित और साथ ही साथ हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं, और किरित पारेख की जो सिफारिशें हैं वो कल दरअसल कैबिनेट में पास होने के पूरे पूरे आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। कल कैबिनेट की बैठक है, बुधवार है, तो कल काफी इवेंटफुल डे रहेगा। गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉजिटिव, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पॉजिटिव, फर्टिलाइजर के लिए पॉजिटिव, सिरेमिक कंपनीज के लिए पॉजिटिव, गैस से पावर बनाने वाली कंपनीज के लिए पॉजिटिव, तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव केवल ONGC ऑयल जैसे प्रोड्यूसर्स के लिए है। तो देखिए किरित पारेख ने ये मैंडेट उनको था कि गैस की कीमतें बेनतहा बढ़ रही, तो उनको ऐसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए जिससे कंज्यूमर को बहुत नुकसान ना हो, तो उन्होंने 4 से $6.5 का एक बैंड रखा है कि मिनिमम $4, अदरवाइज प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा लॉस होगा, और $6.5 मैक्सिमम जिससे कि एक रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को मिले। तो इस बैंड की सिफारिश उन्होंने की है जिसको कल अप्रूवल कैबिनेट में मिलेगा। कल इसलिए मिल जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल से नए गैस प्राइसेस लागू होते हैं, हर 6 महीने में रिव्यू होता है, तो कल 1 अप्रैल उसका डेट होगी, तो उससे पहले आपको ये अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये प्राइस फायदा कैसे पहुंचाएंगे इनको, क्योंकि जो अभी का करंट प्राइस है वो $8.57 पर MMBTU है, और इसका फॉर्मूला ये होता है कि लास्ट 1 मंथ का एवरेज निकाला जाता है, उसके हिसाब से अगर रिवाइज प्राइस, अगर मान लीजिए क्रेडिट को छोड़ दें हम क्रेडिट प्राइस सिफारिशों को और नया प्राइस हम निकाले एवरेज के हिसाब से, तो वो बैठेगा करीब $7-7.5 के आसपास, और 6.5 पे कैपिंग है, तो नेचुरली कि वो $1 नीचे प्राइस आएगा। तो उम्मीद यही है कि जब कैबिनेट की अप्रूवल हो जाएगी क्रेडिट पारेख कमेटी की रिपोर्ट को, तो 1 तारीख से जो प्राइस लागू होगा वो 6.5 के नीचे ही होगा कहीं पे,
तो उससे उन तमाम लोगों को बहुत फायदा होगा जो उसके यूजर है, खास तौर पे जो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनी है, क्योंकि ये बेसिकली एक तरह से ट्रेडर है, उधर से गैस लिया, इधर आपको बेचा, बीच का कमीशन खाया, तो इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत सिवरली नीचे आएगी, इनको बहुत फायदा होगा। दूसरा फिर फर्टिलाइजर जो प्राइमरी यूजर बनाते, फर्टिलाइजर और पावर्स बनाते हैं जो गैस है, वो इसके बड़े बेनिफिशियरी होंगे, क्योंकि उनको प्राइमरी लेवल पर माना जाता है और उनको सबसे ज्यादा गैस मिलती है, तो उनको फायदा होगा। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं जो प्राइवेट सिरेमिक कंपनियां, ये मोरबी वाली सारी है, इनको फायदा होगा, लेकिन मैसिव लॉस होगा ओएनजीसी को, क्योंकि ओएनजीसी जो भी एपीएम गैस बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म के तहत, इसका अभी जो टोटल गैस हिंदुस्तान में उसका 91% यही गैस है, और वो उसमें से ओएनजीसी के पास लायंस शेयर है, ऑयल तो बहुत छोटा प्लेयर है, तो सबसे ज्यादा लॉस उसको, क्योंकि उसकी प्राइस कैप हो गई, $6.5 से उसको मिलेगा नहीं, अभी उसको $8.5 मिल रहा था, तो उसके लिए एक झटका है, लॉन्गर टर्म में उसके लिए काफी नुकसान होगा, क्योंकि गैस प्राइसेस कैप कर दी गई है, तो दो लूजर है, बाकी ज्यादातर लोग गेनर्स होंगे इसमें। बिल्कुल हर्षदा, इसमें ना मेरा एक, नीरज जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, मेरा इसमें ना एक काफी एक जैसे कहते हैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल व्यू है, और मेरा ये मानना है कि ऑयल पीएसयू को लिस्टेड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक प्रमोटर का नंबर वन एम क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे तो प्रमोटर ही सबसे पहले आपको मतलब मार लगा रहा है, ओएनजीसी तो पिछले कितने सालों से मार झेल रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या है, इंडिया में ना कभी भी इन चीजों में डीरेगुलेशन आ ही नहीं सकता, असली सेंस में डीरेगुलेशन कभी नहीं रहा, आप बोल दे पेट्रोल डीजल में डीरेगुलेशन रहा है, आप और मैं दोनों जानते हैं, जब क्रूड गिरता है एक्साइज बढ़ जाती है, जब क्रूड बढ़ता है तो एक्साइज कम हो जाती है, कंपनियों को कुछ नहीं मिलता, ठीक है, कंपनियों को तो ओएनजीसी को, ओएनजीसी जैसे अगर जैसे मेरे केस में क्या है कि हम चार भाई बहन है, तो जो सबसे बड़ा भाई है उसको हर बार छोटे भाई बहनों को उसी को मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि वो मतलब वो अज्यूम किया जाता है कि यही संभाल लेगा, ठीक है, तो हमारे केस में तो यही रहा है, ऑयल कंपनी के केस में तो यही रहा है, कुछ भी हो जाए क्रूड प्राइस अगर $40 से $50 हो जाए तो वैसे ही ओएनजीसी लॉस में, जहां $65 क्रूड क्रॉस करता है, पहले क्या होता था, पहले आप कुकिंग ऑयल वगैरह के लिए सब्सिडी दे रहे थे, ये कर रहे थे, उसके बाद क्या किया, विंडफॉल टैक्स लगा दिया, अब ये हो गया, तो इसके लिए ये ओएनजीसी की अगर आप इंट्रेंसिक वैल्यू देखें आज के रेट में कम से कम $1,000 होने चाहिए, लेकिन स्टॉक चलता है ₹150 पे, इसी यही कारण है, इसी वजह से ऑयल प्राइस, ऑयल इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा, केवल एक दो छोटे छोटे रिफॉर्म गवर्नमेंट कर दे, केवल आप ये कह दिए कि ऑयल एक्सपोर्ट अलाउड है, हिंदुस्तान में अलाउड नहीं है, आप खाली इतना कर दीजिए, एक बूंद तेल बाहर नहीं जाएगा लेकिन प्राइसिंग सुधर जाएगी, बिल्कुल वो भी नहीं कर रहे, अच्छा चलिए आप एक्सपोर्ट नहीं अलाउ कर सकते, आप ये कह दीजिए कि आप प्राइसिंग इंटरनेशनल बेंचमार्क पे करेंगे, अभी देखिए आप, क्योंकि आपकी सब प्रायोरिटी बिकता, वो भी नहीं कर रहे हैं आप, मतलब किसी भी तरीके से आप उनको ये रिलैक्सेशन नहीं दे रहे कि अपनी प्राइसिंग कर पाए, आपको तो वेदांता इसके लिए मुकदमा लड़ने तैयार है, जैसा मेरे केन को आप एक्सपोर्ट क्यों नहीं करने देते, मैं तो प्राइवेट हूँ, नहीं अलाउ करते, थोड़ा सा प्राइसिंग करने दीजिए, वो भी नहीं करने दे रहे, तो इतनी मार के बावजूद ये कंपनियां इतना कैश जनरेट करती है, इनके टैप लगा उसे खोलो पैसे निकलने लगता है उसमें, इतना पैसा कमाती है और सरकार उसे चूसती रहती, लाओ मुझे दो मुझे दो, सब डिविडेंड दे दो मुझे, तो मुझे लगता है आप सही कह रहे हैं, ₹1,000 उससे ज्यादा भाव होना चाहिए। मैं एक और चीज बोल रहा हूँ इसमें, अच्छा डिविडेंड लीजिए, एस नरेन आए थे तब मैं सीएनबीसी टीवी 18 में था, तो एस नरेन आए थे, ये तब का टाइम है जब ओएनजीसी फाइनली, अगर आप एक साल का चार्ट देखेंगे, एक टाइम आया था जब लोगों को लगने लगा था कि ओएनजीसी की फाइनली कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ओएनजीसी को जितना मुनाफा बनाना ना बनाने दीजिए उसको, उसके बाद आप कहिए कि आप ज्यादा डिविडेंड दो, क्योंकि सबसे ज्यादा डिविडेंड तो आपको मिलने वाला है, उसके बाद आपको जो डिविडेंड आएगा ना उससे आप कॉम्पेंसेट कर दो, बाकी वो कंपनियों को आप वैसे कैश दे दो, तो उससे होगा क्या कि एक तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, एक आपके पास कैश ज्यादा आएगा, और एक आपकी ये भी साथ भी रहेगी कि आपने मार्केट रिफॉर्म्स में कुछ चेंज नहीं किए, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ना एक एडवाइजर्स की थोड़ी सी जरूरत है जो इस तरीके की एडवाइस दे, सरकार को वही तो कैश का उसको छोड़नी नहीं चाहते, मेरी बात सही थी मेरे में, आप जो लोग खबरें दब जाती है, इंडियन ऑयल ने अभी अनाउंस किया ₹5.5 लाख का कैपेक्स, नई कंपनी बना रहे हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी करेंगे, किसी को पता भी नहीं होता 5.5 लाख का पूरी इंडस्ट्री कैपेक्स नहीं होता, वो अकेले करेंगे और उनको कोई जरूरत नहीं है, कभी एक रुपए डिफॉल्ट नहीं करते, लाखों करोड़ के कर्ज में होते हैं, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है, पर सरकार है उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, जो आपने कहा ना कि कैश काओ है, तो इसको वैसे ही रखा जाएगा ताकि जब भी जरूरत पड़े, जैसे आप कह रहे हो नलका निकाले और पैसा नलका खोले पैसा आ जाएगा। अच्छा वैसे ओएनजीसी पर एक क्लियर कट सेल कॉल आशीष भेती ने दे दिया है, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्या अभी भी मौका है कुछ पोजिशन लेने का गौरांग, क्योंकि पिछले हफ्ते में एमजीएल से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि देखिए वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो भी
ही फायदा आएगा अगर ये दाम इनकी लागत घटती है तो वो पास ऑन किया जाएगा। और इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि इस समय अगर आप एक एलपीजी सिलेंडर लेने जाते तो आपको 1100 रुपए कीमत देनी होती है। तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की वैसे भी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हर कोई चाह रहा है कि वो पाइप गैस से ही दरअसल इनके घर में रसोई का चूल्हा जले। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? ओएनजीसी पर व्यू क्लियर है, लेकिन आईजीएल एनजीएल इन प्लेयर्स जो यूजर्स रहेंगे उनके लिए क्या? तो अर्शिला, चार पांच कंपनियां हैं हमारी कवरेज में, महानगर गैस लिमिटेड, एनजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और पेट्रोनेट एलएनजी। और अभी अभी जो नया ये रीडेवलपमेंट या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो बंबई शहर हो या फिर बाकी अन्य शहर जहां पर इन सब सीडीज कंपनीज की, यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की पहुंच है, आवरणीय किया जा रहा है कि आप उस नए ढांचे में पाइप गैस की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और मैं बंबई में जहां पर रहता हूं, मेरे ख्याल से मेरे पड़ोसी में या जो भी मतलब बिल्डिंग है इर्द गिर्द में, वहां पर ज्यादातर ऑलरेडी पाइप गैस जा रही है जो कि पहले सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। कहने का तात्पर्य यह अर्शदा कि एक तो इनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इस प्राइसिंग को लेकर के जैसे अभी नीरज भाई और बात कर रहे थे और बता रहे थे पूरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेकर के, तो मुझे लग रहा है कि एक मौका बिल्कुल है। और नॉट ओनली पाइप गैस इन हाउस होल्ड्स, लेकिन आई थिंक ऑल्टरनेटिव क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल की थीम जो चल रही है उसके कारण जो वॉल्यूम्स है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो वॉल्यूम प्ले ऑफ कोर्स रहेगा इन कंपनियों के लिए। सीएलएसए ने भी पिछले हफ्ते या दो हफ्ते पहले वो रिपोर्ट निकाली थी जहां पर आईजीएल में उन्होंने कहा था कि एक बड़ा मौका है और डबल डिजिट ग्रोथ दरअसल उस बिजनेस की देखने को मिलेगी। तो वो नजरें रहेंगी इन कंपनियों पर आजकल दोनों ही दिन। चलिए अब सुमित को जोड़ लेते हैं और ये आपको बताएंगे कुछ और खबरों वाले शहर। एबी कैपिटल आज दरअसल रेडार पर पहले रहेगा, बताइए सुमित। देखिए आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पर पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज फ्लोस थे, उम्मीदें थी कि शायद जल्दी यहाँ पर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग होगी, और जो अपडेट आया वो ये कल शाम को कि अपनी इंश्योरेंस ब्रोकर यूनिट जो है वो कंपनी ने बेची है। और अपडेट के तहत करीब 25.65 लाख शेयर जो है आदित्य बिरला इंश्योरेंस के वो कंपनी बेचेगी। और इसके अलावा कंपनी इन्फो साइबर इंडिया जो दूसरी शेयर होल्डर है इंश्योरेंस ब्रोकरेज में, वो करीब 25.64 लाख शेयर जो है वो बेचेंगी एडवे सर्विसेज को। ये करीब करीब 455 करोड़ रुपए में एक सौदा होने का अनुमान बाजार लगा रहा था, तो उसी के आसपास ये डील का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी आई है मॉर्गन स्टैनली की, उन्होंने एक इक्वल वेट रेटिंग दी है, करीब 163 रुपए पर शेयर के आसपास का एक टारगेट दिया है। उन्होंने बात मेंशन की है कि जो ब्रोकरेज कारोबार की बिक्री हुई है 60% डिस्काउंट पे हुआ है जो कि इनके करंट वैल्यूएशन से अनुमान वो लगाकर चल रहे थे। एंटायर सब्सिडी 455 करोड़ रुपए में बेची गई, इसका मतलब 5x FY24 के प्रॉफिट्स पे ये सेल होते हुए दिखाई पड़ी है। और ब्रोकरेज कारोबार का कंपनी के कुल कारोबार में करीब करीब 1.5% के आसपास का हिस्सा होता है, तो इनके टोटल टारगेट्स में 2.5 रुपए के आसपास का टारगेट ये इनके ब्रोकरेज कारोबार को मान के चल रहा है। तो 163 रुपए के टारगेट्स के लिए इक्वल वेट रेटिंग मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट और एक नया अपडेट आते हुए। ओके, एक्चुअली गौरांग जी गुड मॉर्निंग, मतलब एबी कैपिटल मैं इतने टाइम से सुन रहा हूं, 5 साल पहले इसका रेट था 147, आज इसका रेट है 147, मतलब क्या इस पर आपका व्यू है? बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई आपका, और आपको भी शुभ प्रभात हमारे तरफ से। अभी आप जिक्र कर रहे थे ना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की, ओएनजीसी की, एक्सप्लोरेशन कंपनीज की, अगर आप 5 साल का इतिहास निकाल करके देख ले तो केवल डिविडेंड देने के अलावा इन कंपनियों ने कुछ नहीं किया, चाहे वो ओएनजीसी हो, गेल हो या फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। उसी तरीके से कुछ कंपनियां हैं जहां पर समय बीतता जाता है लेकिन वो जहां है वहां के तस के मस रह जाते हैं। स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा खरीद फरोख करने के लिए या फिर बने रहने के लिए क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी कंपनी में निवेश करते हैं। तो और जाहिर है मार्केट ओरिएंटेड एंटिटीज और प्लेटफॉर्म्स है, तो जैसे मार्केट का रुझान होगा वैसे ही इन सब कंपनियों के शेयर का दाम का रुझान। ओके, तो ये बात एबी कैपिटल पर साफ राय आती हुई दिखाई दे रही है। और स्टॉक हमने देखा भी है ज्यादातर समय दरअसल मंदी वाले
साइड के ट्रेडर्स के हाथ में रहता है। आज देखते हैं किस तरह का रिएक्शन इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। अच्छा फटाफट से सुमित, कई सारे ऑर्डर फ्लोस भी आजकल आ रहे हैं, बताइए आज किन किन कंपनियों के हाथ ऑर्डर लगे हैं? क्या देखिए 31 मार्च से पहले ऑर्डर की जो संख्या है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। तो दो तीन कंपनियां, उसमें पहले दिलीप बिल्डकॉन L1 बिडर के तौर पर निकल के आए हैं आंध्र प्रदेश NHAI के प्रोजेक्ट के लिए। 780 करोड़ रुपए का ये हाईवे प्रोजेक्ट है जिसके लिए दिलीप बिल्डकॉन पहले बिडर के तौर पर उभरते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इस लिहाज से आप इस स्टॉक पर नजर रखेंगे, वैसे भी काफी ज्यादा बीट एंड डाउन है तो न्यूज फ्लोस पॉजिटिव साइड पर आते हुए। इसके अलावा PNC इंफ्रा 819 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए ये भी L1 बिडर के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़े हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर भी हाईवेज रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो PNC इंफ्रा के ऊपर भी आप नजर रखें, कल ये 4.5% टूटा था। इसके अलावा आप फोकस पर रख सकते हैं SJVN को, हालांकि यहां पे ऑर्डर नहीं है लेकिन कंपनी को करीब करीब 915 करोड़ रुपए का एक लोन मिला है जो कि ग्रीन फाइनेंसिंग जापान बैंक से कंपनी के लिए मिली है। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर यह भी SJVN के लिए कामकाज करेगी, यहां पर भी आप नजर रखेंगे। और साथ ही साथ आप ध्यान दे सकते हैं पारस डिफेंस के ऊपर भी, यहां पर भी ऑर्डर नहीं है लेकिन एक पॉजिटिव ट्रिगर इनके लिए काम कर रहा है कि DPIIT से कंपनी के नए प्रोडक्ट के लिए कंपनी को लाइसेंस मिला है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT का फुल फॉर्म है। ये प्रोडक्ट्स है रेड डॉट रिफ्लेक्स साइट्स, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस, सेंसर्स, रग्ड कॉट सिस्टम, और ये कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर के तौर पर आप मान सकते हैं कि बहुत समय से इसके लिए वेट भी कर रहे थे। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स इसके लिए अप्रूवल, तो पारस डिफेंस, दिलीप बिल्डकॉन, PNC इंफ्रा, SJVN, इनके ऊपर आप रीसेंट ऑर्डर इन्फ्लोस के थ्रू इन पर नजर सकते हैं। ओके, तो ये सभी वो स्टॉक्स जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। पारस डिफेंस इनफैक्ट हाल फिलहाल में काफी ज्यादा खबरों में रहा है, नॉट दैट ये वायदे बाजार का ट्रेड है, लेकिन इन डिफेंस कंपनियों में कुछ आपको पसंद आ रहा है क्या गावा साहब, स्पेशली पारस डिफेंस? क्योंकि हमने देखा है इस पूरे मार्च महीने में 3 से 4-5 दफा हमने इसकी ऑर्डर की डेवलपमेंट सुनी है। पारस का जो चार्ट है तो नहीं, इसमें एक बार कोशिश की है आपको मिलने की लेकिन वो फेल हुआ है। अब लगातार वहीं पर ट्रेड करा है, कल एक मूव मिला था, नो डाउट अबाउट इट। कल का लो अगर 450 का होल्ड करता है तो शायद एक आपको मिलता है, फिर 500 देख सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्मेशन की जरूरत है और वो ट्रेड करेगा 480 के ऊपर तभी जाके शायद बाय मिलेगा पारस में। लगता है कि शायद मिले लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत है पारस। कई सारे न्यूज डेवलपमेंट्स लेकिन स्टॉक में उतनी खास एक्शन नहीं देखने को मिला है। लेकिन आज इम्पोर्टेंट दिन, आज तो वेदांत की बोर्ड बैठक है, इसके अलावा कुछ और कंपनियों की भी बोर्ड बैठक है डिविडेंड को लेकर। सुमित बताइए, वेदांत रफली क्या मैथमेटिक्स कह रहा है, कितना डिविडेंड पास ऑन करेगा? देखिए ये तो बहुचर्चित है क्योंकि 5वां डिविडेंड वेदांता का अनाउंस हो सकता है और ये कंपनी के लिए एक बड़ा इवेंट भी है। तो अब तक के लिहाज से जो अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक क्योंकि 26 रुपए पर शेयर डिविडेंड की ऐलान कर चुका है, उसको अगर पूरी तरह से ही पास ऑन करता तो 19 से 20 रुपए का एक प्रेडिक्शन मार्केट मानकर चल रहा है। लेकिन वेदांत की पिछले पूरे साल में बढ़िया डिविडेंड दिया है, 31 रुपए, 12 रुपए, फिर 18 रुपए, और अब ये तो इस तरह से डिविडेंड्स की जो संख्या है वो काफी बड़ी है। तो वेदांत इन फोकस रहेगा, 81 रुपए पर शेयर डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका है और अनुमान है कि शायद 20 रुपए डिविडेंड और आ सकता है 19 से 20 रुपए। तो इस लिहाज से आप वेदांत पर नजर रखेंगे स्ट्रांगली, 20% के आसपास, 20% के घोषणा करेंगे 75 रुपए पर शेयर के डिविडेंड है जिसकी एक्स डेट शायद 21 अप्रैल के आसपास की है। तो इस लिहाज से आप नेस्ले पे भी नजर रखेंगे, FY23 का जो लास्ट डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, उसके ऊपर भी फैसला यहाँ पर लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। नेस्ले और वेदांत, पालवे साहब वेदांत पर क्या व्यू रहेगा? तो अगर स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अगर हम इसके थोड़े शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में जो लोअर साइड पे जो बेस बने हुए करीब 260 के आसपास के बेस बने हुए और उसके आसपास से ही स्टॉक ने यहां से बाउंस दिया है। हायर साइड पे जब तक ये स्टॉक में 290-295 के लेवल क्रॉस नहीं होंगे एक रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है 260-290 की रेंज में फंसा हुआ स्टॉक, जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। अच्छा अपमूव इसमें जो बन सकता है वो 290 के ब्रेकआउट के बाद ही बनेगा और फिर वहां से 310 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। बट अभी अगर किसी के पास पोजिशन है तो 260 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा। ओके, ये होगी वेदांत पर कॉल। चलिए, टेलीकॉम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अभी भी इंटैक्ट है और उसका एक एग्जाम्पल जो आपको फ्लैश स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रिलायंस जियो ने एक सबसे सस्ता लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है
10 Mbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड के लिए आपको प्रति महीना 198 रुपए चुकाने होंगे। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ असीम मनचंदा जुड़ गए हैं और ऑफकोर्स आपको बता दें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर प्ले कर देते हैं। रिलायंस वो कंपनी जो इस चैनल को ओन करती है, लेकिन क्योंकि ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है इस पर बात कर लेते हैं। असीम गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए बहुत सारे लोग अभी आईपीएल मैच की शुरुआत होने वाली है और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि इसको मोबाइल पर देखें या अपने घर पर टीवी के ऊपर इंटरनेट पर स्ट्रीम करें, तो उसके लिए रिलायंस जियो ने टारगेट करते हुए ये ब्रॉडबैंड प्लान की शुरुआत की है। आपको सबसे सस्ता प्लान 198 रुपए का मिलेगा। इसके अंदर आपको 10 Mbps का अनलिमिटेड डाटा मिलेगा, साथ ही साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी। और कंपनी ये चाहती है कि इससे जितने भी ब्रॉडबैंड कस्टमर है उनको टारगेट किया जाए। पहले जो सबसे सस्ता प्लान था वो 398 रुपीज का था, लेकिन अब कंपनी इसके जरिए जो आईपीएल मैच देखना चाहते हैं उनको टारगेट करने की तैयारी करी। आप इस कनेक्शन को टॉपअप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, एक दिन के लिए स्पीड बढ़ाई जाए, एक हफ्ते के लिए स्पीड बढ़ाई जाए, तो आप इसको 20 रुपए से लेकर के 50 रुपए तक में और टॉपअप इसको कर सकते हैं। साथ साथ अनलिमिटेड डाटा आपको कंपनी देने जा रही है, तो टारगेट यही है कंपनी का। जिस तरह से पहले कंपनी ने जो मोबाइल ग्राहक थे उनके लिए एक ब्रॉडबैंड मोबाइल ग्राहक थे उनके लिए एक्स्ट्रा डाटा वाले प्लान लॉन्च किए थे, लेकिन अब कंपनी जो लैंडलाइन ग्राहक है उनको टारगेट करने की तैयारी कर रही है और नए प्लान कंपनी ने अनाउंस किए। तो ब्रॉडबैंड प्लान्स काफी अट्रैक्टिव प्राइसिंग पर, क्लियरली पहले मोबाइल कस्टमर्स पर फोकस और अब लैंडलाइन कस्टमर्स पर भी अच्छा खासा और ब्रॉडबैंड कस्टमर्स पर रिलायंस और एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कल जो अच्छी तेजी में था मानस, इस पर एक व्यू और फिर भारती भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका कॉम्पिटिशन भारती पर भारी पड़ेगा। देखिए रिलायंस में एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि जब अभी पिछले दो दिनों में गिरावट देखने को मिली तो इसने पिछला लो ब्रेक नहीं किया, कल हमें रिकवरी देखने को मिली है, तो स्टॉक कोशिश कर रहा है 2200 और 2175 की रेंज में बॉटम बनाने की। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2175 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि जो कंफर्मेशन है रिवर्सल का वो तो आपको केवल 2290 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अगर 2290 के लेवल ब्रेक होंगे तब आप एग्रेसिव होकर खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि उस केस में आपको 2400 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। और इसके सामने भारती जो इस डेवलपमेंट पर आज थोड़ा सा नरम पड़ सकता है सेंटिमेंटली। देखिए भारती एयरटेल की अगर बात करें तो 200 मूविंग एवरेज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, एक रेंज बन गई है 750 लोअर साइड पे और ऊपर की तरफ 775 ऊपर के साइड पे, तो जब 775 के लेवल ब्रेक होंगे तभी खरीदारी करेंगे। और यहां पर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने रहिए 749 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए भारतीय और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर व्यू। और याद रखिए जो चैनल आप देख रहे हैं ये टीवी 18 का नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 और टीवी 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो हमारी तरफ से ये क्लियर डिस्क्लोजर, आप रिलायंस में कोई ट्रेड ले तो एक एक्सटर्नल एडवाइजर से भी जरूर बात करें। चलिए अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की, जहां पर आज होगा एक ब्लॉक डील। कौन बेच रहा है, कितने में फिलहाल सौदा होने के आसार हैं, यतिन हमारे साथ हैं सभी डेवलपमेंट्स को लेकर। यतिन तो देखिए अर्चना, कल्याण ज्वेलर्स ये स्टॉक फोकस में है। 31 मार्च के पहले पहले आपको ये दिखेगा कि वॉबक पिंकस जो यहाँ एक बड़ा शेयर होल्डर है अपना 2.5% हिस्सा बेचने वाला है। लगभग 2 करोड़ शेयर की डील मानी जा रही है, 110 रुपए का बेस प्राइस है और 288 करोड़ के आसपास की ये ब्लॉक डील आपको होती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रखिए रेडार पे, काफी सारा इंस्टीट्यूशनल एक्शन यहाँ आपको देखने मिला है। स्टॉक ने रिसेंटली अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये जानना जरूरी होगा कि स्टॉक का किस लेवल से आपको ब्लॉक डील होती हुई दिखाई पड़ेगी आज, क्योंकि डिमांड सप्लाई तो ठीक ही है, कोई बड़ा ब्लॉक नहीं है, लेकिन हाँ हमने पिछले 3-4 इंस्टेंसेस में ये देखा है ब्लॉक डील्स में कि जो प्राइस पे डील होती है उसके नीचे स्टॉक फिसलता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, क्योंकि यूजुअली मार्च एंड के वजह से काफी सारे लोग ट्रेडर्स खास करके पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसके लिए जाहिर सी बात है डील के बाद थोड़ा बहुत दबाव आपको स्टॉक में भी दिख सकता है। तो ये स्टॉक आज रेडार पर रहेगा कल्याण ज्वेलर्स। कविता ट्रैक करती है क्या कल्याण? सुया हर्षदा जी, अगर चार्ट सेटअप भी देखें तो एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन है और अगर ये स्किप होता है 116 के नीचे तो पॉसिबली मुझे लगता है 110-111 के जो लेवल्स है जो उसका 100 डेज ईएमए है वहां पर पोजिशनिंग को लुक आफ्टर किया जा सकता है। एक बड़ा स्ट्रेंथ काउंटर पे तब आएगा जब ये 123 के ऊपर निकले। जो लोग डिप्स पर आफ्टर दिस न्यूज देखना चाहते हैं 111 का लेवल होगा जहां पर इसे चेकआउट करना चाहिए।
इस पर आगे भी बातचीत करेंगे, देखते हैं कि लेवल्स पर इवेंचुअली वो ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा। 110 होता है प्राइस है, वैसे 118 पर कल जाकर टिका था। लेकिन बाकी खबरें सुमित, देखिए अब जो बची बची खबरें हैं उनमें से एक नाम है फिनिक्स मिल्स का, जहां पर कल एक ब्रोकरेज था उसका अपग्रेड भी था। लेकिन आज जो खबर आ रही है वो ये कि कनाडा पेंशन प्लान जो है उसने 160 करोड़ रुपए का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है। ये इनकी सेकंड ट्रांच है, जो 1350 करोड़ रुपए की टोटल फंडिंग थी उसमें से एक सेकंड ट्रांच आता हुआ दिखाई पड़ा है। नवंबर 2021 में ये 1350 करोड़ रुपए का कमिटमेंट था जिसका सेकंड ट्रांच आता हुआ दिखाई पड़ा, तो फिनिक्स मिल्स के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। और एक पेटीएम से रिलेटेड भी अहम अपडेट है, इनफैक्ट ये लगातार दूसरा दिन जबकि पेटीएम से रिलेटेड न्यूज फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल आरबीआई की तरफ से जो इनको एक्सटेंशन मिला था 120 दिनों का, लेकिन आज जो खबर आ रही है कि पेटीएम किसी भी यूजर को जो क्यूआर क्यू कोड के जरिए एनपीसीआई गाइडलाइंस के मुताबिक मर्चेंट पेमेंट ले सकेंगे, यानी किसी और भी जो यूजर होगा उसके जरिए भी ये अपना पेमेंट ले पाएंगे, जिससे एग्रीगेटरों करीब करीब 1.25% के आसपास का जो इंटरचेंज रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके ऊपर एक मॉर्गन स्टैनली का नोट भी है इक्वल वेट रेटिंग के साथ, करीब करीब 695 रुपए के टारगेट्स वो पेटीएम में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनको लगता है कि जो सिचुएशन है वो शायद थोड़ी सी बेटर ऑफ होते हुए दिखाई पड़ेगी और गोइंग फॉरवर्ड नंबर्स में और ज्यादा इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इस लिहाज से भी आप पेटीएम के ऊपर नजर बनाकर रखेंगे। तो पेटीएम और फिनिक्स मिल्स दोनों में खबरें आज इन स्टॉक्स पर आगे आएंगे, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में यतिन क्या हाईलाइट है? देखिए दो स्टॉक्स आज फोकस पे रहेंगे, सबसे पहले टेक महिंद्रा, क्योंकि यहां आप देखेंगे कि सिटी की एक न्यूट्रल कॉल आई है, टारगेट है 1120 रुपए के आसपास का। जहां तक कि टेक महिंद्रा का सवाल है, सिटी को लगता है कि टर्न अराउंड जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है उससे शायद आपको डीले होता हुआ दिखाई पड़े। इनफैक्ट मार्जिन जो है मीडियम टर्म में थोड़े बहुत अपटिक के साथ चढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मैक्रो सिचुएशन है वो काफी चैलेंजिंग है आईटी कंपनीज के लिए, इसके लिए वो यहाँ न्यूट्रल कॉल अपनी दे रहे हैं। इसके अलावा कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट आई है हीरो मोटो कॉर्प पे, ये रिड्यूस रेटिंग के साथ इन्होंने टारगेट लगभग 200 रुपए से काट के 2400 रुपए कर दिया है। हीरो मोटो पे कोटक को लगता है कि जो एंट्री लेवल बाइक्स हैं जो कम वैल्यू की होती है, वहां होंडा की जो एग्रेसिव एक्टिविटी हो रही है, लॉन्चेस हो रहे हैं, उसको लेके शायद कंपटीशन हीट अप हो सकता है। मार्जिन्स पे तो असर हो ही सकता है, मार्केट शेयर पे भी असर हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा है एल नीनो के कारण रूरल मार्केट्स में शायद आगे चलते हुए डिमांड भी थोड़ी बहुत धीमी हो सकती है, तो ये काफी ब्रोकरेज कंसर्न्स है। हीरो मोटोकॉर्प पे नजरें रखें, यहां कोटक की एक रिपोर्ट आई है जहां टारगेट 200 रुपए से कट करके 2400 रुपए कर दिए गए, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो ये फिलहाल 2400 का टारगेट आता हुआ हीरो मोटोकॉर्प पर, सिटी का एक न्यूट्रल कॉल टेक महिंद्रा पर 1120 के टारगेट के लिए। ये सारे स्टॉक्स दरअसल आप रेडार पर रखेंगे जरूर। अच्छा, टेक्नोलॉजी कंपनियों को लेकर हमने देखा है फिर से ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव के चलते गौरांग सर, लोग थोड़ा सा संकोच में आ रहे हैं कि इनकी अर्निंग्स पर आगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब तक तो कंपनियों ने सभी एक सुर में कहा है कि कोई डिमांड डीले नहीं है, डिसीजन थोड़ा सा डीले हो रहा है, लेकिन इसका इंपैक्ट प्राइसिंग पर नहीं आ रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है, स्थिति और गंभीर होती हुई दिखाई दे सकती है? हर्षदा, तीसरी तिमाही की नतीजा है, उसके पहले ज्यादातर लोग आईटी क्षेत्र से दूर रहने की राय दे रहे थे, और ये राइट अप थी जब 25% के आसपास की गिरावट आपने आईटी इंडेक्स में देखी थी और शायद उससे थोड़ी बहुत ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक आईटी सेक्टर के। तीसरी तिमाही के बाद परिवर्तन हुआ लोगों को नजरिए का और खरीदारी की राय दे रहे हैं। हम काफी लंबे समय से खरीदारी की राय दे रहे हैं, और मुझे याद है मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले हमने परसिस्टेंट सिस्टम पर खरीदारी की राय दी थी हमारे चैनल सीएनबीसी आवास पर। और चौथी तिमाही के नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे मेरे ख्याल से, अप्रैल के पहले हफ्ते के आसपास, 10 अप्रैल या 12 अप्रैल के आसपास नतीजे, और उसका आगाज टीसीएस करेगा। और हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि नतीजे इतना निराशाजनक नहीं होंगे, और हम सहमत है उन टिप्पणियों से जो मैनेजमेंट ने दी थी कारोबार के भविष्य को लेकर के। थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए हो सकती, लंबी अवधि के लिए हमें नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा नकारात्मक सी परिस्थिति खड़ी होगी और उसका बहुत बड़ा बुरा असर आंकड़ों पर पड़ेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए टेक्नोलॉजी पर व्यू। दालमिया भारत एक ट्रेड जो कल अच्छा खासा चमका था और इस पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2170 का टारगेट, सिटी न्यूट्रल 2050 का टारगेट दे रहा है। जो उन्होंने कल रिफ्रैक्टरी सेल अनाउंस किया वो बेसिकली नॉन कोर एसेट्स में अपना जो स्टेक है वो हल्का करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पैसा आएगा वो ऑफकोर्स कंपनी के ऑपरेशन में ही लगेगा। गावा साहब, इसको लेकर आप कल बुलिश थे, अब सिटी और सीएलएसए की तरफ से भी व्यूज सामने हैं, बताइए चाटी के लिए कल की तेजी के बाद आज किस लेवल का इंतजार या किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए?
मेरे ख्याल से 1900 तो ये पहला टारगेट रहेगा, क्योंकि चार स्ट्रक्चर अब डालमी भारत का देखता हूं तो उसमें एक ब्रेकआउट मिला है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ है और ये ब्रेकआउट सिर्फ 19 तक रुकेगा नहीं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट डालमिया भारत के 1950 होंगे। मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए 1950 का और ऑन द वे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अगर किसी को आज फ्रेश ट्रेड भी लेना है तो 1860 का कोई स्टॉक पे आना चले, यस डालमिया भारत अच्छा लगता है। याद है मुझे शायद क्विक सिंगल्स में दिया था, बिल्कुल क्विक सिंगल्स में दिया था आपने, मुझे याद है। और कल डे हाई पर बंद हुआ था ये, कल गावस्कर कंप्यूटर पे डेटा नहीं आ रहा था तो उन्होंने थोड़ा वेट किया था, उसके बाद जब वो ट्रेड आई थी तो डालमिया भारत थी और सही बोला उन्होंने, डे हाई पर जाकर बंद हुई थी। गावस्कर गुड मॉर्निंग, एक बार जरा चार्ट चेक करिए बजाज फाइनेंस का, कोई मूव यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्योंकि हर रैली फेल हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस वीक नजर आता है, इनफैक्ट कल भी मुझे लग रहा था बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही वीक नजर आते हैं। बजाज फाइनेंस का जो ट्रेड कर रहा है अब, जो ट्रेड कर रहा है करीब 5592 के आसपास, मुझे लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा है 5550 वो भी ब्रीच हो जाएगा, वो भी अंडर थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश सिग्नल जनरेट हुआ है और यहाँ पर जब फ्रेश सिग्नल जनरेट होता है तो प्रीवियस लो भी ब्रीच हो जाता है। तो मुझे लगता है तो वीक 5650 का कोई स्टॉप पे आगे चले टाइट है, या फिर अगर रैली मिलती है दिल से बेच देना चाहिए, 5700 का फिर स्टॉप लगाना चाहिए, लोअर लेवल देखेंगे बजाज फाइनेंस के काफी अंतर भी लग रहा है। ठीक है, 7% दूर रहेगा सिर्फ अपने 52 वीक लो से, और करीब 30% गिर चुका है 52 वीक हाई से। ऑलमोस्ट हर साल बजाज फाइनेंस से करता है वैसे, आपको 30-40% की करेक्शन देता है और उसके बाद डबल होता है, पता नहीं इस बार भी वही करेगा या इस बार कोई कहानी दूसरी होगी। लेकिन चलिए एक काम करें, फिर इस शो को यहीं समेट लेते हैं और शुरुआत करते हैं पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सिंबिसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहला सौदा, कुछ ही देर में तैयारी करेंगे प्री ओपनिंग रेट्स की। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर, कल भी एक छलावा किया था एसजीएक्स निफ्टी ने, आज क्या फिर करने वाला है। लेकिन 50-51 पॉइंट ऊपर करीब 17,064 पर एसजीएक्स निफ्टी, याद रखिए कल एक्सपायरी है और आज पेनल्टीमेट डे और आज फाइनेंशियल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। लेकिन कल बड़ी वाली एक्सपायरी जिसमें स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस की भी एक्सपायरी होनी है, और ध्यान रखिएगा लगातार एक वार्निंग हम आपको दे रहे हैं, डू नॉट एक्सरसाइज की फैसिलिटी खत्म हो चुकी है। तो इस बार आपके ऑप्शंस अगर इन द मनी रह गए तो आपको डिलीवरी देनी या लेनी पड़ेगी, डिपेंडिंग ऑन जिस साइड पर आप हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको, अपने ऑप्शंस के सौदों को अगर आपने अब तक नहीं निपटाएं जरूर निपटा दीजिएगा। आप हर्षदा बीरू को भी जोड़ लेते हैं, और बीरू गुड मॉर्निंग, कोई कविता कोई शेर कुछ सुनाइए ताकि इस मार्केट का जो इतनी वोलेटिलिटी है, इतनी बोरिंग मार्केट है, उसमें कुछ मूड बने। माफी चाहूंगा अनुज, आज तो कुछ लिख नहीं पाया, मैं आप लोगों को बहुत देर से सुन रहा था, आज तो कुछ लिख नहीं पाया यकीन मानिए, पर कल बुधवार है, कल जब 9 बजे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छी सी कविता जिससे थोड़ा मूड सेंटिमेंट और आपका और मेरा जो दिमाग पूरे दिन ओपनिंग और क्लोजिंग भारी रहता है वो हल्का हो जाए, कल पक्का सुनाऊंगा 9 बजे एक विशेष। आज के लिए हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा अनुज। खैर अभी काम करते हैं, इस प्री ओपन में कूदते हैं और एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे रेस्ट ऑफ एशिया जिसकी भूमिका भी अनुज ने बांधी, इट्स डूइंग वेल, रेस्ट्रिक्टेड गेन्स हैं बट स्टिल गेन्स हैं, और आपकी स्क्रीन पे एसजेक्स 17064 51 अंकों पर। डाउ जोन्स फ्यूचर्स याद रखिएगा इस वक्त 52 अंकों पर ट्रेड करते हुए 32683 16946 शुरुआती टिक्स कहते हुए। और अगर आप इस प्री ओपन की बात देखिए, सबसे पहले देखेंगे सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, उसके बाद देखेंगे ओएनजीसी को, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर कंपनियों को देखेंगे, सिरेमिक कंपनियों को देखेंगे, और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। आईजीएल आपकी स्क्रीन पे 65 रुपए ऊपर, एनजीएल 956 अनचेंज अपरिवर्तित, लेकिन अब करीब करीब 961 पैकेट ट्रेड करता हुआ। और एक और चीज है, आप ओएनजीसी को लेके आइएगा स्क्रीन पे, ओएनजीसी को देखते हैं ये ट्रेजेक्टरी क्या आएगी, ये करीब करीब 151 करीब करीब आधा परसेंट ऊपर, आई थिंक अभी पूरा इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एक और चीज याद रखिएगा, क्रूड में एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, क्रूड में एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, तो हमें एक नजर आज पिडलाइट, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और इंडिगो जैसे अगर आप देखें क्रूड रिलेटेड थीम पर भी नकली पड़ेगी। और एक वेदांता लेके आइएगा, बोर्ड बैठक है आज और 5वें अंतरिम डिविडेंड पर विचार होगा, वेदांता को देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये भी महत्वपूर्ण स्टॉक है, और साथ ही साथ
पूरा जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस, इस पर भी नजर रखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, कोविड के बढ़ते केसेस के बीच में कल फार्मा स्पेस ने क्लोजर टू एक्सपायरी एक सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। कल का सबसे स्ट्रॉन्ग ओएडिशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल था फार्मा स्पेस पे। डॉक्टर लाल पैथलब आपकी स्क्रीन पे आधा परसेंट ऊपर, अरविंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, इन सभी स्ट्रक्चर्स पे हमें नजर रखनी होगी। अनुज बिल्कुल मेरे, देखिए मैं जैसे कह रहा हूँ, मैं मेरे अंदर आपके वाला टैलेंट नहीं है, लेकिन एक ये चीज है कि लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो एक कविता मुझे किसी ने भेज दी, कविता का एक थोड़ा मार्केट पे शेयर किसी ने भेज दिया, तो मैं वो सुना देता हूँ कि हालात गर्म थे मार्केट के, अब नर्म हो गए, मजबूरी में ही सही, मेरे सारे शेयर लॉन्ग टर्म हो गए। तो बेसिकली जब एक मार्केट में एक डाउन फेज आता है तो हर ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है, और अभी एग्जैक्टली वही फेज मार्केट का। जी हाँ, जब दर्द जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो वो मजा देने लगता है, ठीक यही वो हाल है। खैर आपकी स्क्रीन पे चलिए अभी काम करते हैं, हर्षदा से जानते हैं एग्जैक्टली फॉरेक्स मार्केट और प्रीशियस मेटल्स क्या कर रहे हैं। हर्षदा, 22 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की आज चाल मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। वीरू कल आपको याद होगा 11 पैसे मजबूत खुले थे, आज 82 के आसपास ट्रेड देखने को मिल रहा है, तो 82.17 इस समय रुपए का भाव टुवर्ड डॉलर, करीब 22 पैसे की मजबूती। आज कॉमेक्स में हमने देखा है तेजी का ट्रेड, करीब 147 रुपए की बढ़त पर देखने को मिल रहा है ये ट्रेड, और 158 रुपए की मजबूती के साथ चांदी के सौदे भी चमक रहे हैं। कच्चा तेल जहां पर ग्लोबली हमने देखा था करीब करीब $4 का मूव ओवरनाइट, उसका कुछ फायदा आज एमसीएक्स में भी बनाया जा सकता है। फिलहाल भाव 17 रुपए ऊपर है, 5,995 के आसपास, लेकिन 6,000 के ऊपर के टारगेट्स आपको याद होगा मॉर्निंग कॉल में हमारे जानकारों ने दिए थे। तो क्लियरली आज शुरुआत मजबूती के साथ कमोडिटी मार्केट की होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच जो निफ्टी की तरफ संकेत है, एक बार फिर शुरुआती ट्रेड्स में 17,000 के आसपास तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो उस पर आएंगे। मार्केट थोड़ा सा और ये प्री मार्केट सेटल होगा, लेकिन तब तक सीधा सौदा में जो नीरज और यतिन के बीच का मुकाबला रहा, उसमें किस तरह के सौदे आज आइडेंटिफाई हुए और इसमें से क्या पसंद है, इसकी भी बातचीत होगी। टेक्निकली देखते हैं ये पहले रिकैप। टीम के रैपअप का समय हो चुका है, सबसे पहले रखिए आदित्य बिरला कैपिटल रेडार पे। इन्होंने अपना इंश्योरेंस ब्रोकिंग आर्म 455 करोड़ की वैल्यूएशन पे बेचा है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है जहां कंपनी अपने स्ट्रक्चर को लीन कर रहा है, तो ये स्टॉक रखिए रेडार पे। नए मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इस इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस को बेचा जाए। इसके बाद दिलीप बिल्डकॉन, इन्होंने एनएचएआई का एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है, L1 है वो 780 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए। लेमन ट्री, इसके बाद इन्होंने केरला में नया 42 रूम का एक होटल खोला है, और इनका एयरपोर्ट के पास भी, मुंबई एयरपोर्ट के पास भी एक नई प्रॉपर्टी का बहुत जल्द इनॉग्रेशन होने वाला है। तो एक्सपेंशन जो इन्होंने एग्जीक्यूट किए थे, अब फाइनली उसका फल मिल रहा है। इसके बाद SJVN, इनको बैंक ऑफ जापान से 915 करोड़ की फंडिंग मिली है अपने ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए, ग्रीन पावर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको लेके। PNC इंफ्राटेक भी रखे रेडार पे, इनको एक हाईवे प्रोजेक्ट हाथ लगा है जिसकी वैल्यू लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास है, 800-900 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स रहेगा रेडार पे, आज एक ब्लॉक डील यहाँ एक्सपेक्टेड है लगभग 2 करोड़ शेयर की। वॉबक पिंकर्स अपना 2.5% रिसार्ज बेचने जा रही है, 110 रुपए का फ्लोर प्राइस तय किया गया, शायद स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ खुलता हुआ दिखाई दे। अल कार्गो लॉजिस्टिक्स और गति, दोनों रखे रेडार पे, क्योंकि गति की जो एक्सप्रेस बिजनेस सर्विस है, इसके अंदर जो JV पार्टनर है वो अलकार्गो लॉजिस्टिक्स बायआउट करने वाला है, 30% हिस्सा लगभग 400 करोड़ के आसपास, यानी गति की मार्केट कैप जितना ही उनकी एक्सप्रेस सर्विस बिजनेस का मूल्यांकन हुआ है। तो ये दोनों स्टॉक्स पेरेंट और सब्सिडी रहेंगे फोकस पे। फीनिक्स मिल्स, कैनेडियन फंड्स ने इनके एक प्रोजेक्ट में 160 करोड़ रुपए का निवेश किया है, फेज 2 था, और जहां इनको एक इन्वेस्टमेंट मिला है। और आखिर में दालमिया भारत सीमेंट, इन्होंने अपना रिफ्रैक्टरी बिजनेस जो बेचने का निर्णय कर लिया है, CLSA की बायर रिपोर्ट है यहाँ 2170 के टारगेट के साथ। तो ये सब स्टॉक्स रखिए रेडार पे। अब नीरज जी अपने टीम का रैपअप करेंगे। बिल्कुल, और गैस कंपनी पे फोकस है, और चूंकि कल कैबिनेट में ये फैसला होगा और 1 अप्रैल से नए गैस प्राइसेस आएंगे, तो उसमें हमने IGL, MGL, गुजरात सिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो है, NFL और मद्रास फर्टिलाइजर और RCF ये यूजर हैं, तो 4 से 6.5 डॉलर के बीच में गैस प्राइस की क्रेडिट पारिक ने संस्तुति की थी जिसके अप्रूवल मिलेगी, और ये इसलिए जरूरी इस बार हो जाएगी
क्योंकि 1 अप्रैल से नए गैस प्राइस लागू होने, तो उससे पहले आपको ये सीलिंग और फ्लो प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। ओजीसी ऑयल के लिए नेगेटिव इसलिए है क्योंकि जो इस समय ओल्ड ब्लॉक की गैस निकल के आती है, टोटल गैस जो देश में है उसमें से 91% ओल्ड ब्लॉक से आती है और उसमें ओजीसी ऑयल ही है, तो इसलिए इनके लिए नेगेटिव खबर है। टेक महिंद्रा पे सिटी ने एक न्यूट्रल कॉल दी, उनका मानना है कि टर्न अराउंड होने में समय लगेगा और इसलिए थोड़ा दबाव रह सकता है। इक्वल वेट की रेटिंग है। हीरो मोटो ने रिड्यूस की रेटिंग दी है कोटक ने, और उनका मानना है कि एंट्री लेवल की बाइक्स बेचने में दिक्कत है, साथ ही कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ा, मार्केट शेयर लूज हो सकता है, तो इसलिए हीरो मोटो रेड। ओके, आपने सीधा सौदा की टीम देखी और आज मानस जी के कंधों में जिम्मेदारी है कि इनमें से दो टॉप ट्रेड्स पिक करेंगे। मानस, ऑल्दो अभी इस प्री ओपन को फ्रीज होने में वक्त लगेगा, बट स्टिल 17026 एक बहुत न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी हमें मिलेगी, आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इसमें? देखिए, यतिन जी की टीम से जो फ्रेंच ब्रेकआउट काल में भारत पे देखने को मिला है, तो वहीं पर खरीदारी करने की राय रहेगी। कल फ्रेंच ब्रेकआउट देखने को मिला, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, मेरा समझना कि डालमिया भारत में 1839 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए 1930 के टारगेट के लिए। नीरज जी की टीम से बिकवाली करने की राय रहेगी ओएनजीसी पे, आई थिंक आशीष जी ने भी इस पे एक सेल रिकमेंडेशन दिया है, तो ओएनजीसी में बिकवाली करनी है। 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज हुआ है, पैटर्न निगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो नीरज जी की टीम से ओएनजीसी में सेल है। 152 का स्टॉप लॉस लगाए और 145 के टारगेट सेट करें। ओके, तो ये ओएनजीसी वाला ट्रेड आपके लिए क्लियरली उभर कर आएगा और इस पर आज और कल में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है मंदी की तरफ। याद रखें, आशीष भैती ने भी इस पर एक शॉर्ट कॉल दिया था। लेकिन चलिए, इससे पहले कि हम कंटिन्यू सेशन में उतरे, फटाफट से आपके लिए वो टॉप 10 स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा खबरों के बल पर। तो ओएनजीसी से रिलेटेड ही वो ट्रेड है, नेचुरल गैस की प्राइस कैपिंग पर कल दरअसल कैबिनेट अपना अप्रूवल देती हुई दिखाई देगी, जो किरित पायलट की सिफारिशें थी। उस पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रखें, आईजीएल एमजीएल आपके फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिवली ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। सिफारिश है 4 से करीब 6.5 रुपए प्रति डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वो प्राइसेस कैप होनी चाहिए। आदित्य बिरला कैपिटल भी आज खबरों में, कंपनी अपने इंश्योरेंस ब्रोकरेज यूनिट को बेचने की तैयारी में है, तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट, स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कई सारे ऑर्डर फ्लोज आते हुए, आंध्र प्रदेश में एनएचआई के प्रोजेक्ट के लिए L1 बिनर डिलीट बिल कौन घोषित किया गया है, जो चौथा स्टॉक है वो SJVN इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए करीब 915 करोड़ तक का लोन इनको मिला है, स्टॉक रेडार पर रखेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में, जियो ने एक सबसे सस्ता दरअसल ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च किया है अपने पोस्टपेड प्लान के बाद, तो वो स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। पीएनसी इंफ्रा के हाथ 819 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लगते हुए दिखाई दिए हैं, इनफैक्ट इन्होंने भी सबसे कम बोली जीती है इन पर्टिकुलर ऑर्डर्स में। पारस डिफेंस के लिए डेवलपमेंट ये है कि डीपीआईटी से दरअसल कंपनी के नए प्रोडक्ट उत्पादन को लाइसेंस मिला है, हाल फिलहाल कई सारे ऑर्डर्स इनके हाथ लगे भी है डिफेंस सेक्टर से। यही नहीं, वेदांत आज फोकस में क्योंकि कंपनी की आज बोर्ड बैठक है डिविडेंड को लेकर। FY23 के लिए पांचवा डिविडेंड दरअसल कंपनी आज अनाउंस करती हुई दिखाई देगी और जो कैश कैलकुलेशन है 19 से 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड मिलेगा। कल्याण ज्वेलर्स ब्लॉक डील होने के आसार, वॉर्बर्ग पिनकिस दरअसल 2.5% हिस्सा इस एंटिटी में बेचेगी 110 रुपए प्रति शेयर के आसपास, वो सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है। और हम रेडार पर रखेंगे फीनिक्स मिल्स को, जहां पर सीपीपी इन्वेस्टमेंट की तरफ से दूसरे फेज की भी किश्त इनके हाथ लगती हुई दिखाई दी। आपको याद होगा फेजेस में दरअसल सीपीपी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इनको फंड कर रहा था, तो वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इनके हाथ आ चुका है। हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इन स्टॉक्स को समझाने के लिए, बताने के लिए। और इस बीच मैं इससे पहले कि अनुज के पास जाऊं, आज गौरांग जी का जन्मदिन है, गौरांग शाह जी का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस दिन के लिए, और ईश्वर करे आपको बहुत लंबी उम्र मिले और बहुत अच्छा गुजरे आपका एक साल। ये गौरांग शाह नहीं, हमारी TV18 ब्रॉडकास्ट टीम में एक गौरांग शाह है, अहमदाबाद में प्लेस्ड है, उनका जन्मदिन है ये। अरज, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल जो आज इंडिसीज पे है वो क्या कहता है, आप कैसे अप्रोच करेंगे इंडिसीज को क्लोज टू एक्सपायरी? और इसमें कोई राय नहीं है अनुज के, बहुत हद तक ऑप्शन राइटर्स ने इस जोन को, इस क्लस्टर को, बोथ ऑन निफ्टी निफ्टी बैंक ग्रैब कर रखा है, आपकी अप्रोच क्या होगी?
देखो मैं ना रमेश धमाने जी एक बात कह रहे थे कि अगर दिखने में डक है तैर डक की तरह रही है क्वैक क्वैक डक की तरह कर रही है तो मतलब वो डक है ठीक है ना। तो मार्केट में अगर क्लियर इंडिकेशन आपको दिख रहा है फील हो रहा है समझ में आ रहा है कि एक सेलोन रैली की और एक बेयर मार्केट है तो वो बेयर मार्केट और सेलोन रैली की मार्केट है और इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। देखिए बड़ी ट्रेड सेल पे मिल रही है, कल आप और मैं दोनों क्लोजिंग कर रहे थे 3 से 3:30 बजे का चार्ट देखिए क्या 5 मिनट में मार्केट में पूरा सबसे बड़ी ट्रेड आपको मार्केट ने तभी दे दी थी जो जिस तरीके से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ वो करीब 300 पॉइंट कोलैप्स हुआ। निफ्टी में मुझे लग रहा है आज भी आपको कल की ही रेंज में सौदे ढूंढने होंगे। अच्छा मीरू एक और चीज आप भी ये डेटा काफी अच्छे से समझते हैं, कल FIS की कवरिंग देखी कितनी कवरिंग और उसके बाद निफ्टी सिर्फ 40 पॉइंट बढ़ा, मतलब जिसने 17700 पर निफ्टी बेचा है उसको अगर सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर में मतलब इंट्राडे में इतनी कवरिंग के बाद सिर्फ 40 पॉइंट का ही नुकसान हो रहा हो मतलब 40 पॉइंट ही देने हो रहे हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है उसके लिए। ये आपको बता रहा है किस तरीके की मार्केट है इस समय। आज देखिए रेंज है 16918 से 17091, निफ्टी पर आपको 17050 से 17100 इसमें सेल के मौके ढूंढने हैं और हम 17031 पर खोल रहे हैं और अगेन मतलब वो फेल होना चाहिए 17050 से 17100 का जोन और उसमें आपका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल 17150 बाय जोन भी है 16900 से 16950, कोई कोलैप्सिंग मार्केट नहीं है अभी भी ये और स्टॉप लॉस 16828 का सिग्निफिकेंस इस पूरी स्विंग का लो 16828 अगर टूटा ना वीरू तो बड़ी शॉर्टिंग होगी मार्केट में और 17225 अगर निकला तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर, आज यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी का एक्सपायरी का शायद एक इम्पैक्ट है लेकिन 39500 की कॉल और पुट कल दोनों में जबरदस्त बिल्डअप और दोनों का कंबाइंड प्रीमियम 500 रुपए तो एक ऑप्शन राइटर मान के चल रहा है कि 39000 to 40000 की रेंज है। अब ऑब्वियसली हमारा व्यूअर 1000 पॉइंट की रेंज नहीं प्ले कर सकता तो उसके लिए 39250 to 39700 अगेन कल की रेंज क्योंकि आज पेनल्टीमेट डे है तो 39300 to 39400 मेरे ख्याल से बाय जोन है उसमें 39225 का स्टॉप और 39550 to 39685 ये सेल जोन है और 39765 का स्टॉप जो कि बैंक निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है। ओके और वाकई वो बात तो बिल्कुल सच है ना, जब मैं कल खुद आई थिंक 9 बजे के आसपास डेटा देख रहा था और वो जैसे ही FIS आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का डेटा डाउनलोड किया मुझे बड़ा अचंभा हुआ। आई मीन इतना शार्प रिडक्शन इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लेकिन पुल बैक रत्ती भर नहीं, हायर लेवल से फिर सेलिंग फिर सेलिंग फिर सेलिंग। अनुज निफ्टी आईटी पे कुछ कल एक हल्का सा पुलबैक था 10 सेकंड में कमेंट, एनी थॉट्स ऑन निफ्टी आईटी? निफ्टी आईटी भी वीक है और जब तक ये 3-4 आपको अच्छी क्लोज नहीं देता तब तक सेलोन रैली रहने वाला है ये। ओके चलिए अब एक काम करते हैं एक दो स्टॉक्स प्री ओपन की इस ट्रेजेक्टरी में मतलब जोन में देख लेते हैं और क्या कह रहे हैं इंडस्ट्रीज पे अप्रोच हमने देख लिया अभी इट्स अ सेल सेलोन राइज माफ कीजिए L&T आज भी अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल पावर ग्रिड में स्ट्रेंथ है, टाटा स्टील हल्का सा पुल बैक देता हुआ, बैक फुट पे जो डिसाइसिवली ट्रेड करा उसमें टाटा कंज्यूमर और अदानी पोर्ट्स मैकडोनल्ड्स और साथ ही साथ ग्रासिम एशियन पेंट्स। याद रखिएगा पेंट रिलेटेड स्टॉक्स में आज थोड़ा सा पेन हो सकता है, बाकी कैनफिन होम्स और एस्कॉर्ट्स ये कुछ काउंटर स्ट्रक्चर्स जो कि बैक फुट पे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए अब इस ओपनिंग को चलते हैं देखने के लिए बड़ी वॉल पर उसके पास समझ ओवर टू यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस And best of luck for this Tuesday, मंगलवार को और खूबसूरत बनाइए अनुज। तो शुक्रिया और चलिए चलते हैं बिग वॉल पर और उम्मीद तो यही करते हैं रोज सुबह सुबह उम्मीद लेकर आते हैं कि आज मार्केट में कुछ अच्छा होगा लेकिन 3.5 दिन तक मार्केट हमारे उस पर पूरे किए दरे पर पानी फेर देती है, सारी होप पर पानी फेर देती है। आज देखते हैं शायद थोड़ा डिफरेंट हो लेकिन टेक्सचर तो खैर काफी खराब रहा है और स्पेशली ब्रॉडर मार्केट का टेक्सचर बहुत पीक रहा है। चलिए पहले रेट्स आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर 17030-45 पॉइंट ऊपर, अब देखना उस जोन को टेस्ट करेगा या नहीं 17025-17022। बैंक निफ्टी देखिए आप 54 पॉइंट ऊपर सिर्फ, अब बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट की बढ़त, अब क्या बोल रहे हैं इस मार्केट में इतनी जल्दी जल्दी रेट चेंज हो रहे हैं। निफ्टी आईटी करीब करीब 1/4% का मूव निफ्टी आईटी में, प्रॉब्लम रही है मिड कैप्स और स्मॉल कैप और रोज आपको मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे पहले इंडिकेट कर देते हैं किस तरीके का दिन बनने वाला है। मिड कैप में आज हल्की सी बढ़त 0.17% की, स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएगा 0.02% का मूव यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप में और अब स्मॉल कैप ऑलरेडी रेड में जाने की तैयारी कर रहा है। कल स्मॉल कैप इंडेक्स की जबरदस्त पिटाई हुई थी, वो जो 1:4 का एडवांस क्लाइन था वो स्मॉल कैप की वजह से आया था, यहां पर लगातार गिरावट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी थोड़े
ऊपरी लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन 926 एडवांसिंग स्टॉक्स, 589 डिक्लाइनिंग स्टॉक्स। फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके आज एक्सपायरी है 17671 वीकली एक्सपायरी। निफ्टी मेटल्स करीब करीब 2.5% ऊपर 5408 पर, यह इंडेक्स। ऑटो इंडेक्स करीब करीब 1.5% ऊपर। अच्छा, सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस मोर और लेस ग्रीन में है। फार्मा जहां पर कल जबरदस्त तेजी थी, आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। FMCG 70 पॉइंट ऊपर 0.16%, तो खैर कुछ बहुत ज्यादा मूव है नहीं। अब निफ्टी कोशिश कर रहा है उस जोन में आने की जो हमारा एक जोन था, पहला जोन जो था 17050 से 17100 वाला जो जोन था, 17040 पर अब इस समय निफ्टी आने की कोशिश कर रहा है। अब निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कहाँ बाइंग हो रही है। थोड़े IT स्टॉक्स में आज बाएंगे और मेटल्स में बाएंगे ऑब्वियसली। हिंडाल्को टॉप गेनर, 2% का मूव इस समय हिंडाल्को में आपको दिखाई देगा, तो ये एक बड़ा मूव। उसके अलावा ICICI बैंक, लेकिन कल ICICI बैंक देखिए पूरी की पूरी बैंक निफ्टी कोलैप्स को स्पॉन्सर ICICI बैंक ने किया था कल, तो ICICI बैंक भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अच्छा, ये वो बड़ी ब्लॉक डील हो गई है। वो देखिए सीधा स्टॉक जो है 10% नीचे उस ब्लॉक से, काफी बड़ा इम्पैक्ट आया कल्याण ज्वेलर में। खैर उसके ऊपर आएंगे हम, लेकिन बाकी स्टॉक देखते हैं। लार्सन ट्यूब्रो, UPL, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स हैं। महिंद्रा में काफी डिक्लाइन रही है पिछले कुछ दिनों से, आज थोड़ी बाइंग है। जैसे मैंने कहा आज IT में थोड़ी बाइंग है। HCL टेक, इन्फोसिस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नीचे क्या, BPCL करीब 1% नीचे, अदानी पोर्ट्स में डिक्लाइन, ONGC में डिक्लाइन, NTPC, टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, वो शायद थोड़ा सा जियो का नया टैरिफ आया उसको लेकर थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पर। रिलायंस ने कल पूरी की पूरी तेजी को स्पॉन्सर किया था निफ्टी की, वो करीब करीब 1.5% ऊपर इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। और क्या ऊपर है, बेसिकली मामला है सारा का सारा तीन स्टॉक्स का, ICICI बैंक, लार्सन एंड ट्यूब्रो और रिलायंस, एक्चुअली चार, इन्फोसिस और जोड़ लेते हैं उसमें। मिड कैप ऑलरेडी रेड में आ गया, देखिए 1.4 पॉइंट रेड में मिड कैप आ गया है। और मिड कैप और स्मॉल कैप एक बार वापस ले आते हैं स्क्रीन पर। ये मिड कैप देखिए, ये कल्याण ज्वेलर्स 8.5% नीचे, स्मॉल कैप अभी ऑलमोस्ट ग्रीन में है। एडवांस डिक्लाइन की लाइन आप देखेंगे ऑलरेडी क्रॉस होने की तैयारी कर रहे हैं लाइंस, ये तो ऑलमोस्ट एक पैटर्न बन गया। कल नीरज जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि जो रोटी बनाने वाला चिमटा होता है ऑलमोस्ट उस तरीके की लाइन थी कल एडवांस डिक्लाइन की। अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर आज सुबह सुबह एक थोड़ी सी नेगेटिव एक एडिटोरियल आया था, अभी देखते हैं यहाँ पर स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। ग्रीन करीब 3% नीचे, टोटल गैस करीब 4.5% नीचे, FNO के दोनों स्टॉक्स ऊपर थे हालांकि, लेकिन ये आपकी स्क्रीन पर इस समय अदानी ग्रुप स्टॉक्स। बीरू, FNO में क्या पिक किया? जी FNO में अनुज कुछ अगर आप देखिए कमोडिटीज इस वक्त परसिस्ट कर रहे हैं। लुक एट हिंडाल्को करीब करीब 2% ऊपर, हिंडाल्को ने आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाई अपने पिछले कुछ 4-5 सेशंस की हाइस को क्रॉस करता हुआ, बाइसेक्ट करता हुआ, 10 DMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज हिंडाल्को में। उसके बाद पेज इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर है, इंडिया बुस हाउसिंग इसको स्किप करता हूँ। MGL खबर का एडवांटेज मिला, बट एडवांटेज बहुत देर तक सस्टेन नहीं किया हायर लेवल्स पे, 974 का हाई लगाया, करीब करीब 967-75 पे ट्रेड करता हुआ। ICICI बैंक आज गेनर्स में शामिल है और अभी तक क्या कर रहा है, अगर मैं इस वक्त का बिहेवियर देखूं, ओपन हुआ करीब करीब 857 की ट्रेजेक्ट्री में, 854-95 पे ट्रेड करता हुआ हल्का सा बैकफुट पे आया है, गेन्स को सस्टेन क्या कर पा रहा है माफ कीजिएगा, कुछ भी नहीं। इवन अगर मैं ABB को अभी पिक करूं, ऑल्दो ABB बहुत स्ट्रांग है, याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन खुलते ही साथ गेंस को कैश में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी जो है वो बाजार में नजर आ रही है। अगर आप ABB के चार्ट को भी देखेंगे तो वो भी वहां से यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। बाकी HDFC लाइफ यस प्रॉमिसिंग, कैंडल स्ट्रॉन्ग और हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी अगर कुछ है तो वह HDFC लाइफ की, आपकी स्क्रीन पे 496.80। IT में करीब करीब HCL टेक्नोलॉजीज, इसे कहते हैं डेड कैप बाउंस। दरअसल HCL टेक्नोलॉजीज ने 2 सेशन से लगातार 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था। कल एक पॉज था, हालांकि नीचे ही था लेकिन पॉज था, और आज इस पुल बैक में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करता हुआ। और यहां पे इंप्रेस करने वाला बाकी अगर आप देखें कुछ नहीं है मेरे को नजर आ रहा है, बट रिलायंस क्या कर रहा है, रिलायंस आपकी स्क्रीन पे, रिलायंस इज अगेन टेस्टिंग इट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दरअसल ऐसा ही कुछ बिहेवियर इसका 21 मार्च को भी था, और कल का जो इंट्राडे हाई था याद रखिएगा वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, और इस वक्त जो एवरेज है मैं आपको बताता हूं, वो प्लेस्ड है करीब करीब 2260 के आसपास, 2255 के आसपास, 2257 के आसपास, याद रखिएगा 10 डे मा प्लेस्ड है, इट्स डूइंग वेल। और बैंकों की एक बार शीट दिखाइए डॉक्टर साहब, एक बार SBI दिखा दीजिए बस क्या कर रहा है, फिर हम उसके पास चलते हैं।
क्योंकि एसबीआई आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 511 पे क्या कर रहा है, कल की हायर शेडो में ट्रेड करता हुआ, बट मेरे को शायद जो ज्यादा इंप्रेस कर रहा है वो है रिलायंस का बिहेवियर। बट याद रखिएगा, मैं ये जो भी कमेंट्स कर रहा हूँ वो सिर्फ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से करता हूँ, नॉट एग्जैक्टली फॉर रिलायंस। एक इंडेक्स हैवीवेट थोड़ा डिलीवर करता हुआ और उसका आपको इंपैक्ट स्क्रीन पे विजिबल है। नाउ निफ्टी इज टेस्टिंग 17057, जिसका अटेम्प्ट इसने कल सेकेंड हाफ में लिया था लेकिन आज शुरुआती मिनटों में लेता हुआ। अनुज मेरे और मेरी नजर इस समय आईटीसी पर, क्योंकि बहुत टाइम के बाद आईटीसी में फर्स्ट हाफ में स्ट्रेंथ है, नॉर्मली फर्स्ट हाफ में वीकनेस होती थी, सेकंड हाफ में स्ट्रेंथ आती थी इसमें, और ये लगातार अपना 20 डे मूविंग एवरेज जो है उसका मैं बता रहा हूँ कहाँ प्लेस्ड है, 381 हाफ और वहां पर लगातार अटक रहा है। क्या आज ये अपना 20 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर सकता है? क्या ये आज निफ्टी को थोड़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है? थोड़ी सी हेल्प रिलायंस कर रहा है, थोड़ी सी हेल्प आईसीआईसीआई बैंक कर रहा है, और अब निफ्टी एग्जैक्ट उस जोन में आया 17,050 और 17,100 जो हमारा पहला सेल जोन था। बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी काफी वीकी है, 39,519 रिलेटिवली, और मिड कैप इंडेक्स में डिक्लाइन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए अभी काम करते हैं, फ्रेश ट्रेड्स लेना शुरू करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे शो में, शुभम और शिवांगी, आप दोनों के पास आता हूं मैं, लेकिन गाबा सर आपसे शुरुआत करेंगे। आपका पहला क्विक सिंगल? मेरा फर्स्ट क्विक सिंगल है हिंडाल्को, बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, अपनों की कोशिश कर रहा है, और आपका जो आज का बार बना हुआ है ये भी बढ़िया है, ट्रेड करा है करीब 399 के आसपास, मुझे लगता है 410 तक जाना चाहिए हिंडाल्को, बेस बन रहा है, स्टॉप होगा 395 हिंडाल्को मेटल स्पेस। ओके, मेटल स्पेस में हिंडाल्को पर बाय करना है। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मेरे रडार पे है पिछले कई दिनों से आईटीसी, हमने देखा है कि 50 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज पे काफी अच्छी तरह से सपोर्ट लिए हुए स्टॉक बढ़ रहा है, और एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हम ये जो सीरीज है वो एंड कर रहे हैं मार्च का, और अच्छे रोलओवर्स भी देखने को मिल रहे हैं। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद काफी रेजिलिएंट रहा है, तो यहाँ पे मेरा मानना है खरीदारी करें 395 तक के लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे 373 के स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। ओके, आईटीसी आपके स्क्रीन पे 381.30 और अनुज ने भी एग्जैक्टली अगर आप देखें तो इसी स्टॉक पे कमेंट किया था, इट्स डूइंग वेल, 381.20 का क्लस्टर यहाँ पर छूता हुआ है स्टॉक का। मानस आपका कॉल क्या होगा? देखिए दोनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल बीपीसीएल 400 वीक लग रही है, तो मेरा समझना है कि एचपीसीएल में करंट लेवल्स पे भी आप बिकवाली कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे बिकवाली कर रहे हैं तो 237 रुपए 237 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और टारगेट 222 रुपीज के रहेंगे, एचपीसीएल में बिकवाली करने की राय रहेगी। ओके, देखिए 17,062 का हाई लगाकर जो 17,050 से 17,100 का सेल जोन था, एग्जैक्ट वहां से निफ्टी घूमकर 17,020 पर 17,019 मतलब ऑफ डेज हाई अगर आप देखेंगे ऑलरेडी करीब करीब 45 पॉइंट निफ्टी अब डे हाई से गवा चुका है, और मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी अब करीब करीब 86 पॉइंट नीचे, और एडवांस लोन अब पूरी तैयारी कर रहा है एक उस लाइन को क्रिस क्रॉस करने के लिए। और अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं तो एक पहली बड़ी ट्रेड आपको, बड़ी तो नहीं खैर पहली छोटी ट्रेड आपको मिल गई होगी, आपको 30-35 पॉइंट मिल गए होंगे, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन 30-35 पॉइंट मिल गए होंगे एक्सपायरी वाले दिन, वो भी शायद काफी है, और अब मार्केट का टेक्सचर तो बहुत क्लियर है, अब आज मॉर्निंग का हाई क्लियर होगा या नहीं ये देखते हैं, लेकिन फॉर नाउ सेलर वाली काम कर रहा है। शुभम गुड मॉर्निंग, शुभम क्या ट्रेड लेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी, अभी जो ट्रेड होगा वो खरीदारी की राय होगी हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, जहां पे अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, पूरा कंजम्पशन स्पेस सेक्टर जो है वो मूव होता हुआ दिख रहा है, तो 2500 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है अप्रैल सीरीज का लगभग 65-66 के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी की राय है, इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 55 रुपए में, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 85 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिख सकता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे खरीदारी की राय। यस, इसमें कोई राय नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपके स्क्रीन पे, और एक बार जरा चार्ट लेके आइएगा, और कल भी हमने देखा था कि मल्टीपल अटेम्प्ट इस स्टॉक ने क्लोजिंग के टाइम किए और स्ट्रेंथ दिखाई। अब याद रखिएगा 2502 पे बड़ी क्रिटिकल चीजें हैं, ये बात उल्लेख करनी बहुत जरूरी है, 21 मार्च का दिन था एग्जैक्टली ऐसा ही बिहेवियर था, हालांकि उस दिन नीचे से काफी चला स्टॉक और 200 डे से ही रिवर्स हो गया था। आज एक बार फिर से नोट करके रख लीजिएगा, इंट्राडे जो हाई है दैट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर एचयूएल, जो इसने अब तक 21 फरवरी से लेकर अब तक पार
नहीं किया है, तो एक 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 एफर्ट एक्चुअल देता हुआ आज यहाँ पर। मानस आपकी कॉल क्या होगी? देखिए मैंने एसपी सेल वेपाली करने की राय दी, लेकिन उसके अलावा भी एक रिकमेंडेशन है अगर आप माफी बताइए। तो देखिए कभी मैंने अदानी पोर्ट की वेपाली करने की राय दी थी, और आज भी मेरा समझना है कि स्टॉक क्लियरली वीक दिखता है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी अदानी पोर्ट पे वेपाली कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे वेपाली कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 627 के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ आप उम्मीद कर सकते हैं कि 615 तक के टारगेट आपको अदानी पोर्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अदानी पोर्ट्स में सेल करिए। आज अदानी ग्रुप स्टॉक में वापस सेलिंग स्टार्ट हुई है, और देखते हैं क्या इंपैक्ट आ रहा है इन स्टॉक्स पर। राजेश जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी, पहला क्विक सिंगल आपका? तो अनु जी मुझे लगता है यहाँ पे ग्रैसिम पे फोकस करना चाहिए, ग्रैसिम का स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, और जिस तरीके से कल के सेशन में भी एक लॉन्ग बिल्टअप का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला, और ओपनिंग के बाद से स्टॉक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। वीकली सेटअप पर भी देखा था फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, नियर टर्म सेटअप में 20-day 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन करो, तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेड बन रहा है। सीरीज के आखिरी पड़ाव में स्टॉक अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है ग्रैसिम फ्यूचर पे बाय किया जा सकता है 1660-1670 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा करीब 1625 के आसपास। ओके 1625 फ्यूचर में स्टॉप लॉस, ग्रैसिम फ्यूचर बाय किया जा सकता है। दो ट्रेड्स रह गए, आशीष भेदी जी और कविता जी। कविता जी पहले आपके पास आता हूँ, बताइए आपकी ट्रेड। अनु जी सो ट्रेड यूपीएल पर है, यूपीएल 708 पर अभी फिलहाल है, मुझे लगता है 699 के एक स्टॉप लॉस के साथ 711-716 के लेवल्स के लिए यूपीएल पर एक बाय ट्रेड इनिशियल पे बाय करना है। बेदी जी आपकी ट्रेड रह गई, बताइए सर। जी बजट पेंट एक्चुअली मैंने शॉर्टलिस्ट किया था, बट सिंस ऑलरेडी इसमें 1.2% का फॉल आ चुका है, और यहाँ पे चेस करना थोड़ा सा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है, तो पेडी लाइन एज अ सेल कॉल देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जिस आपका पूरा पैक में कॉल दिख रहा है फूड रिलेटेड जो पैक एशियन पेंट बर्जर एंड पेडी लाइट, पेडी लाइट में और यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है, तो 2280 के टारगेट के लिए दिवाली की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो है 2360 का, 2360 का सेल मेंटेन। ओके चलिए अभी आपकी प्री लग की सेल कॉल हो गई। इस बीच निफ्टी फिर बैकफुट पे आके लगभग 17,000 की ट्रेजेक्ट्री, और बैंक निफ्टी अब कल की बॉडी में एंटर कर चुका है। एक कंफर्ट था सुबह सुबह कल की हाई शेडो में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब बैकफुट पे। आशीष बैती जी मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, और कल हमने ट्रेड लिया था शॉर्ट ऑन टाटा पावर, वो ट्रेड आपका ग्रिप में है, वेल इन ग्रिप, इट्स नाउ 183.50, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? आप जी वेन जी हमें लग रहा है कि यहाँ से जैसे हमने कल डिस्कस किया था 77 का जो जोन है वहां तक ये स्टॉक स्लाइड होता हुआ देख सकता है, जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे, सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेड करके 187 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि अभी जो गिरावट है और यहाँ से इंटेंसिफाई होती हुई देखने मिल सकती है, ये कंटिन्यूसली बॉलिंगर बैंड के लोअर बैंड पे बैंड वॉक कर रहा है, इसमें 177 एक अहम जोन बनता है। ओके चलिए गोरांग जी को जाना है, तो उससे पहले एक बार उनसे एक लास्ट व्यू ले जाते हैं। गोरांग सर कोई और स्टॉक जो आपने स्पॉट किया हो या बताना चाह रहे हो? तो अनुज भाई ये जो पूरा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऊर्जा वितरीकरण है, और जिस प्रकार से आने वाले 2-3 सालों में नई उत्पादन क्षमता खड़ी होगी कन्वेंशनल विंड सोलर वगैरह को देखते हुए, केसी इंटरनेशनल जो कि एक मझौली कंपनी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, चौतरफा ऑर्डर बुक है इनके पास, और जो अनुभव है इनके पास को लेकर के ऑर्डर बुक की एग्जीक्यूशन की भी जो गति है वो काफी तेज है, जिससे योगदान बैलेंस शीट पर काफी बेहतरीन तरीके से आता है। 565 तक के लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं केसी इंटरनेशनल पर, और ये सिर्फ पावर जनरेशन ट्रांसमिशन बिजनेस के कारोबार को नहीं, बाकी अन्य जो ओके चलिए केसी इंटरनेशनल गुरांग सर का थोड़ा वीडियो जा रहा है, लेकिन गुरांग सर शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक बार जरा मार्केट का स्टेटस चेक ले लेते हैं, और देखिए फिर वही प्रॉब्लम आपको जो सुबह सुबह भी बता दिया गया था कि सेल ऑन रैली की अप्रोच रखिए मार्केट में, और छोटे प्रॉफिट लीजिए क्योंकि अब रेंज जो है मार्केट की, अब अगर आपने वो सेल ट्रेड ली है 17,000
62 पे तो खैर किसी ने शॉर्ट नहीं किया होगा, लेकिन 17,050 पर अगर आपने शॉर्ट किया होगा कि वो रेंज थी 17,050 से 17,100 बेचने की, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा डे हाई और आप टारगेट्स आपके अगर आपको एक्सप्लोर करेंगे 16,950 तक, जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कवरिंग आएगी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में वापस थोड़ी सी सेलिंग और एक बार देखिए एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट क्रिस क्रॉस करने वाला है ये निफ्टी मिड कैप आपकी स्क्रीन पर, स्मॉल कैप भी ले आइए एक बार जरा, और एक बार जरा लेकर आइए आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, और बहुत टाइम बाद लोअर सर्किट फिर से लगने शुरू हुए हैं, अदानी ग्रीन में लोअर सर्किट इस समय, अदानी ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट, अदानी टोटल गैस में लोअर सर्किट, अदानी पावर ऑलमोस्ट देयर 4% नीचे, एक एक करके सारे स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। देखिए ये में जो कैश स्टॉक्स हैं उनमें पावर ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे, टोटल गैस और ग्रीन ऑलरेडी लोअर सर्किट पर है, और उसके अलावा अगले प्लेट में भी आपको दिखाई देगा एक दो स्टॉक्स और जो लोअर हैं, और अब इस समय वीरो सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स जो हैं वो रेड में एक्सेप्ट एसी से अंबुजा जो फ्लैट है बेसिक। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे एक प्रेशर आपके स्क्रीन पे, अनुज मेंशन करते हैं अदानी पोर्ट्स, याद रखिएगा एक बार फिर से बैकफुट पे, और एक एक गैप था 2 मार्च और 6 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के बीच में, वो गैप फिल होता हुआ आज फिर से। अच्छा कुछ स्टॉक्स रियल स्टेट इंसुलर स्पेस से कुछ वीक पड़े थे, एक बार जरा पॉली कैप लेके आइएगा, और इट्स 2767 और मैं कल भी जिक्र कर रहा था इसका, दरअसल आज से कुछ चंद रोज पहले हम सेंचुरी प्लाई की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे अनुजोर में, तो उन्होंने क्लियरली एक्सेप्ट की थी ये बात कि डिमांड थोड़ी सी स्लो पड़ रही है, अनऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ बाजार थोड़ा सा खिसक रहा है। राजेश पांडे जी, पॉलीकैप कल शॉर्ट बेहद बेहतरीन था यहाँ पे और आपकी स्क्रीन पे 2767, क्या ये 2677 यहाँ से करीब 100 रुपए नीचे की तैयारी कर रहा है क्या टुवर्ड्स इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि एग्जैक्टली 22 दिसंबर को या फिर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 में यही हुआ था, आपका टेक? बिल्कुल, आज की जो सप्लाई देखने को मिल रही है स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, और आज का क्लोज काफी क्रूशियल रहेगा, अगर ये आज 2770 के नीचे बंद होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो इसका बनता है वो करीब 2700 की तरफ ही बनते हुए दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर तो वीक है, कंटिन्यूस बेसिस पे अगर हम देखें तो ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे लोअर लो फॉर्मेशन बन रहे, तो एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के शॉर्ट यहाँ पे ओपन है हमें लगता है कि ये स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 2770 के नीचे इसमें एक डाउनसाइड 2700 तक की ओपन होते हुए दिख रही है, करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 2810 के आसपास। ठीक है, 2810 का स्टॉप लॉस 2767 इस समय पिडिलाइट का रेट, और इसमें इस समय एक सेल कॉल इनिशिएट होता हुआ। एक बार एसबीआई लेकर आइए जरा, क्योंकि कल भी कोशिश की एसबीआई ने थोड़ा सा एक आप आउट परफॉर्मेंस दिखाने की इंट्राडे का चार्ट, लेकिन देखिए हर रैली में प्रॉब्लम आ रही है, और अब ये जो है एसबीआई का स्टॉक काफी क्रूशियल लेवल्स जो है वो ब्रेक कर रहा है। मैं बताता हूँ वो लेवल्स की सिग्निफिकेंस आपके लिए, 510 इस समय एसबीआई का रेट, और अब इस समय ये जो स्टॉक है अपने सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक अगर आप इसका पिछले कुछ महीने का चार्ट अगर आप की स्क्रीन पर रख दें तो इसने 2-3 बार कोशिश की थी 515 से 520 का जोन डिफेंड करने की, जब 2022 की जो अगस्त वाली डिक्लाइन थी उसमें लगातार इसने 510 से 515 डिफेंड करने की कोशिश की थी, अब ये एग्जैक्टली 510 पर, क्योंकि अगर ये ब्रीच हुआ तो सीधा 480 का डोर ओपन होगा। गाबा सर एक बार जरा एसबीआई का चार्ट देखिए, थोड़ा मुझे इसमें हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, कोई व्यू आपका यहाँ पर है? तो भी हेड एंड शोल्डर बिल्कुल दिख रहा है, और मेरे ख्याल से एक्चुअली वो वायलेट भी हो चुका, वो करीब हुआ था करीब 530 के आसपास, अगर वैसा कुछ होता है तो रिसेंट लो हमने देखा ना करीब 450-400 के आसपास, वो भी टेस्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चर वीक है, वायलेट हो चुका है, एक नेकलाइन को फिर रीटेस्ट भी हुआ, फिर भी उसके बाद नीचे लोअर लेवल पे दिख रहा है, तो मुझे लगता है तो वीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर लॉन्ग नहीं होना चाहिए। SBI, कल होता याद रखिएगा, हालांकि उस जोन में ट्रेड काफी नहीं हुआ था, बट इट वाज आई थिंक 501 रिविजिट किया था इसने अपने बजट डे के लो को। ICICI बैंक आपकी स्क्रीन पे फिर बैकफुट पे आता हुआ एंड टेस्टिंग इट्स 851, दैट मींस इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज फिर टेस्ट करता हुआ,
और निफ्टी बैंक 39,441 पैकेट ट्रेड कर रहा है, यानी कल के ओपन ट्रेजेक्ट्री को फिर जाके स्ट्राइक करता हुआ। और कोलैप्स कहां से हुआ है, आज का इंट्रोडे हाई किया था याद रखिएगा, इट वाज 39563 निफ्टी 17008 पे। एक बार ब्रेथ लिखाएंगे डॉक्टर साहब प्लीज, देखते हैं कि इस बार की ब्रेथ क्या कह रही है। कल ब्रेथ जाते जाते फिर एक बार खराब हो गई थी और इस वक्त आप देखें इट्स लॉन्ग 49.13 में शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट 85 और 45 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए जरा ये जो शाखाएं हैं जो चंक्स हैं वो कौन कौन से हैं लॉन्ग और शॉर्ट के, और थोड़ा बाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस आपकी स्कीम पे स्ट्रेंथ, लगभग 2% का लॉन्ग बिल्डअप। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस हिंडाल्को आज का टॉप गिनर और शुरुआत में रहा था। UPL अभी कविता जी ने कॉल दी इस पर, पेज इंडस्ट्रीज डूइंग वेल, और उसके बाद MGL, सिंजिन, जी एंटरटेनमेंट, DLF, विप्रो में सब में आज शॉर्ट कवरिंग है। DLF का कल का दिन काफी खराब है, खराब रहा था कल, काफी शॉर्टिंग हुई थी, आज थोड़ा सा पुलबैक कवरिंग। बाकी वो रेफोन आईडिया, एम्फेसिस, अदानी पोर्ट्स, बायोकॉन, IRCTC यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है, स्पेशली अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज। और बंधन बैंक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, HPCL में, IEX में, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में, इन सब में आज थोड़ा सा पेन नजर आ रहा है। और एक बार आप लेके आइएगा PVR पे, कल हम बात भी कर रहे थे, इट्स 1499 राजेश पालवी जी, इट्स अ टिपिकल फ्लैग और आई थिंक सर्कमस्टेंसेस हालात सब इसके अगेंस्ट हैं। ये अगर 1500 की 1490 का जोन टूट जाए क्या पोजीशन निकल के आएगा PVR का, क्योंकि एग्जैक्टली यही ब्रेकडाउन हुआ था 10 फरवरी को 1640 पे, यही ब्रेकडाउन हुआ था मेरे ख्याल से 22 दिसंबर को 1752 पे, मोर और लेस दैट इन्वर्टेड फ्लैग प्लेइंग ब्यूटीफुली फॉर बेयर्स ऑन PVR। आपका टेक इस पर था, बिल्कुल काफी क्रूशियल लेवल के आसपास अब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये थर्ड अटेम्प्ट है जहां पे स्टॉक अपने लो जो बने थे उसको रिविजिट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि 1500 और 1490 ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर इसके नीचे फिसलता है 1490 के नीचे तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउनसाइड जो ओपन होते हुए दिख रही है वो करीब 1430-1420 की तरफ भी ये स्टॉक फिसलते हुए दिख सकता है। तो स्टॉक में एक सस्टेन सप्लाई प्रेशर बना है, ऑलमोस्ट ये सेवंथ मंथ है जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड डिस्प्ले होते हुए दिख रहा है और अपने एक क्रिटिकल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो 1490 तो काफी क्रिटिकल है, उसके नीचे फिसलेगा तो 1420 तक की डाउनसाइड आते हुए दिख सकती है। जिनके पास शॉर्ट का ट्रेड है वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं करंट लेवल पे। अब स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 1530 के आसपास का स्टॉप लॉस रखते शॉर्ट का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। ओके PVR स्टॉक चलता ही नहीं है, मतलब ब्रह्मास्त के बाद भी नहीं चला था और पठान के बाद भी नहीं चला। कल मुझे किसी ने कहा कि आप प्लीज पठान के बारे में इतनी बात मत करिए, थोड़ा ज्यादा ओवररेटेड मूवी को बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, तो अब मैं नहीं करूंगा उस बारे में बात। तो अब चार का चौका का सीक्वेंस बता देते हैं हमारे जो गेस्ट हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन हम लेंगे शुभम अग्रवाल से। शुभम तैयार रखिएगा एक ट्रेड, आता हूं आपके पास 3 या 4 मिनट में। FNO सुपरस्टार राजेश पालवी से लेंगे, राजेश जी आपके लिए भी सेम एडवाइस, चार्ट का चमत्कार कविता जैन देंगे और मिटका फंडा के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में नरेंद्र सोलंकी जुड़ने वाले हैं, तो उनसे भी होगी बात। और अब एक बार जरा कुछ स्टॉक्स का एक बार और स्टेटस चेक ले लेते हैं और उस पर फिर बात करते हैं। टॉप ट्रेडेड स्क्रीन में देखिए आज फिर रेड ही रेड है, सारे के सारे जो बड़े स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक रेड में कारोबार कर रहे हैं और काफी इंटरेस्टिंग मूव हुआ। बैंक निफ्टी को अब थोड़ा सहारा मिल रहा है HDFC बैंक का, और ये शायद फिन निफ्टी की एक्सपायरी का भी इम्पैक्ट है, लेकिन एक बार HDFC ट्विंस लेकर आइए, HDFC बैंक और HDFC दोनों के दोनों स्टॉक्स समय आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये देखिए इंट्राडे में HDFC इस समय मॉर्निंग हाई पर और HDFC बैंक वो भी करीब करीब डे हाई पर, तो ये दोनों स्टॉक्स जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस समय थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए मार्केट को। शिवांगी जी कोई व्यू आपका इन दोनों स्टॉक्स पर? जी बिल्कुल, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों ही स्टॉक काफी अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ मेरा मानना है कि HDFC बैंक ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पे एक जो सेटअप बन रहा है वो देखने लायक है। तीन दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है वो बुल्स के स्ट्रेंथ में आए जा रहा है और सस्टेन कर रहा है ओपनिंग के बाद, तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो बेस है वो ग्रेजुअल बेसिस में शिफ्ट हो रहा है हायर जोन की तरफ। वीकली फ्रेम में एक हल्का सा नेगेशन देखने को मिल रहा है, ऑफकोर्स ये
ये अगर ऊपर क्रॉस करता है 1590 तो इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आएगा, पर फिलहाल अभी खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 1640 तक के लग रहे हैं, 1545 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखें। शिवांगी जी, HDFC बैंक पे बाय कॉल देती हूँ 1575, डे हाई की डायरेक्टर मार्केटेड कर रहा है। आपका ट्रेड शिवांगी जी ITC भी था, इट्स नाउ ट्रेडिंग एट डे हाई, इट्स 381.80, शानदार मूव देता हुआ। अच्छा, कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि कोलैप्स हो रहे हैं, देखिए निफ्टी IT इन रेड अगेन एट 27935, जरा HCL टेक्नोलॉजीज लेके आइएगा। HCL टेक ये करीब करीब 1054 पे है। आई मीन जैसे कि मैं शुरू में कह रहा था कि एक ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर है, एक वीक स्ट्रक्चर है, एक पुल बैक ले रहा है, अब पुल बैक टूवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन सिंक हो गया, बिल्कुल सिंक हो गया 1053। आशीष बहती, यू टेक ऑन HCL टेक्नोलॉजीज, एनी थॉट्स, कोई व्यू आपका HCL टेक्नोलॉजीज पे? सबसे डिमांड नीचे स्लिप होकर आज भी एक अटेम्प्ट लिया था और वहीं से रेजिस्ट होकर वापस गिरावट देखने मिल रही है, सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई होता देखने मिल रहा है। आपके स्क्रीन पे 1053 पैकेट करता हुआ निफ्टी नाउ बिलो 17,000 के नीचे फिसलता हुआ। स्विंग देखिए कितने अटपटे से हैं। अभी अनुज उल्लेख भी कर रहे थे कि एक बार पुल बैक आ रहा है, लेकिन मात्र दो टिक्स में फिर डेलो ब्रीच हो गया। एक बार निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लेके आएंगे डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली वहां देखते हैं क्या हो रहा है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, क्योंकि SBI की कमजोरी है तो लाजमी है कि वीकनेस होगी यहाँ पे। कल की बॉडी में एंटर करता हुआ और अगेन हेडिंग टुवर्ड्स दिस 200 एक्सपेंशन एवरेज। खैर बैंकों को मैं छोड़ता हूं, मैं थोड़ा सा IT पे कैपिटलाइज करने की तैयारी कर रहा था। लेट्स ब्रिंग TCS, अभी HCL पे बात हुई, TCS आपके स्क्रीन पे करीब 2127 पे क्या बात करने लायक है? नो, नॉट एग्जैक्टली, अभी शायद नहीं, अभी अगर देखिए बात नहीं कर सकता मैं यहां पे, क्योंकि चार्ट इस जोन में प्लेस्ड है, जिस जोन में प्लेस्ड है मैं स्किप करता हूं। फिर लेके आइए आप मारुति ऑटो स्पेस से, इट्स 8263। मारुति के साथ दिक्कत ये रही है कि अच्छी खबरों के बावजूद भी रहा देखिए, या फिर जिस दिन ऑटो डिलीवर कर रहा है उस दिन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और एक बार फिर से रिवर्सल, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डे वो भी पार नहीं कर पा रहा है। प्रकाश साहब, मारुति पे आपका टेक? मारुति आज सुबह तो मुझे लग रहा था कल के हिसाब से कि ऊपर जाना चाहिए, लेकिन है साइडवेज जोन, 7 दिन से एक साइडवेज जोन पर है। अगर आज का हाई पार नहीं करता तो मैं कहूंगा वीक है, लेकिन है साइडवेज जोन, ट्रेड बनता नहीं है, निफ्टी अब 17,000 के नीचे वापस, और बैंक निफ्टी देखिए एकदम 39,428 पर ऑलरेडी रेड में आ गया है बैंक निफ्टी। और एक बार जरा बैंक निफ्टी को प्लेट चलाइए ऑफ डेज हाई कितना आया, और 39,563 का हाई, और इस समय बैंक निफ्टी डे हाई से करीब करीब 134 पॉइंट नीचे। जो सुबह अप्रोच थी हमारी 39,550 से 39,685 का जोन था सेल का, अभी तक का हाई 39,565 और वहां से स्लिप। अब देखिए इसमें जो प्रॉफिट टेकिंग रेंज आएगी 39,300 से 39,400 के बीच में आएगी, अब 39,430 ऑलरेडी है वहां पर, और एक्सपायरी -1 डे 16,984 और निफ्टी पर। अब देखिए निफ्टी का भी एक बार ऑफ डे हाई चार्ट लेकर आई, और निफ्टी पर भी इस समय आप देखेंगे कि काफी प्रेशर है, और अगेन उस जोन में स्लिप होकर अब करीब करीब 77 पॉइंट निफ्टी स्लिप हो चुका है अपने हाई से। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट और देख लेते हैं निफ्टी की, एक बार देख लेते हैं प्रेशर आ कहां से रहा एग्जैक्टली। और ये आपकी स्क्रीन पर भारतीय एयरटेल, अदानी पोर्ट, अच्छा कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इंडिविजुअल स्टॉक्स का ड्रैग आ रहा हो, लेकिन अदानी ग्रुप स्टॉक्स में प्रेशर बढ़ रहा है, और खासतौर से अब एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स ये दोनों स्टॉक्स भी अब डी लो की ट्रैक्शन आ गए, पर इंटरडे लेकर आइए अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों का, ये देखिए स्क्रीन पर आपके। और यहाँ भी थोड़ा सा मूड माहौल खराब हुआ है, तो ये कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स इस समय एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच कर रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक मेरे लिए है ICICI बैंक, क्योंकि लगातार इसकी कश्मकश चल रही है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास, रोज ये अटेम्प्ट कर रहा है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करने का, और रोज ये जो स्टॉक है वो यहाँ से कंटिन्यू
मतलब उसको बीच नहीं कर पाते। चलिए काम करते हैं फिर ले लें चार का चौका और शुरुआत कर देते हैं सारी के सारी ट्रेड्स का। शुभम सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अनुज जी सस्ता ऑप्शन में इवन दो थोड़ा सा मार्जिनली बाजार नेगेटिव जरूर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है ये साइडवेज ही रहेगा ओवरऑल ब्रॉडर इंडेक्स, और उसके अंदर इंडसइंड बैंक में एक अपमूव वाता हुआ दिख रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे ट्रेड बता देता हूँ, 1040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज का अभी 32 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इस पे खरीदारी करा है, 27 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 42 रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो इंडसइंड बैंक पूरे इंडेक्स के अगेंस्ट जाकर के कंटिन्यूअसली एक हाई आज बनाता हुआ दिख रहा है और 21 मार्च को भी थोड़ा लॉन्ग बिल्टअप होता हुआ दिखा, तो आज फिर से यहाँ पे लॉन्ग बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है प्योरली एक ट्रेडिंग प्ले है और मुझे लगता है कि एक पुल बैक इंडसइंड बैंक में आता हुआ दिखेगा, इसलिए यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। इंडसइंड बैंक में लॉन्ग ट्रेड रखना है, फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ अब ऑप्शन जितने भी हैं सारे अप्रैल के, मार्च का अब आपको कोई ब्रोकर ऐसे करने भी नहीं देगा, लेकिन ये अप्रैल की ऑप्शंस रखने हैं आपको। ध्यान रखिए वो डू नॉट एक्सरसाइज फैसिलिटी नहीं है, तो अगर आपके मार्च के ऑप्शंस कुछ पड़े भी हैं तो इनको स्क्वेयर ऑफ करिए। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पाली, राजेश जी बताइए। तो अनफॉर्चुनेटली सेल का कॉल है एफएनओ सुपरस्टार में और वो रहेगा एम्फेसिस फ्यूचर का, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है, ये फिफ्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है, जिस तरीके से आज ओपनिंग के बाद से वापस स्टॉक में सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। मेरा एम्फेसिस फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, 1686 1688 के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर, यहाँ पे शॉर्ट का पोजिशन लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस रखेंगे 1708 के आसपास और डाउन साइड के टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो 1645 से 1630 तक की डाउन साइड एम्फेसिस फ्यूचर में आते हुए दिख सकते। राजेश जी इसमें अनफॉर्चुनेट क्या है, ट्रेडिंग में जरूरी थोड़ा कि लॉन्ग ही किया जाए, शॉर्ट भी ट्रेड है। वो अनुज भाई आपने मेरे दिल की बात छीन ली, जैसे उन्होंने बोला ना अनफॉर्चुनेटली, मैंने कहा तो पैसा भरे तो इट्स फॉर्चुनेट कोई दिक्कत की बात नहीं है, मस्त जाइए शॉर्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला ट्रेड लेते हैं, होपफुली ये भी फॉर्चुनेटली होगा, शॉर्ट या लॉन्ग ये मेहमान पे छोड़ते हैं, कविता जी का ट्रेड होगा। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप, शॉर्ट या लॉन्ग? लॉन्ग ट्रेड होगा, दैट इज ऑन मनापुरम फाइनेंस, अगर देखिए डेली चार्ट पर एक क्लोजिंग फॉर्मेशन बना रहा है, कंडीशनल बाय होगा, डिप पर बाय करने की कोशिश करें, डिक्लाइन अप टू 115 तक एक पोजिशनिंग करनी चाहिए, मुझे लगता है 118 के लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, 120 विल बी द फर्स्ट टारगेट, 120-122 के लेवल्स के लिए मनप्पुरम फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, 114 विल बी द स्टॉप लॉस। ओके, मनप्पुरम फाइनेंस आपका बाय कॉल होगा। आपकी स्कीम पिक 16-85 पे ट्रेड करता हुआ वो अच्छा दे रहा है। नरेंद्र सोलंकी जी का मिड कैप फंड आज का क्या होगा ये पिक करते हैं। नरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आज? जी गुड मॉर्निंग, आज का हमारा स्टॉक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से है, स्टॉक का नाम है लेवेंडरी होटल्स, इस पे अगर आप सेक्टर की बात करें तो 75% का एवरेज ऑक्यूपेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो एवरेज रूम रेंट है वो भी 20% से राइज हुई है, और अगर आप डिमांड सप्लाई की सिचुएशन देखें नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में तो डिमांड इज ग्रोइंग एट अबाउट 10-12%, वहीं पर अगर सप्लाई देखें आप डोमेस्टिक मार्केट में तो 3-4% से ही वो कर रही है, जो कि काफी फेवरेबल है सेक्टर के लिए। और वैल्यूएशन की बात करें तो अभी जो लेवेंट्री है वो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अपने को मिल रहा है और इसमें हमारा टारगेट है 110 रुपीज का। ओके, लेमन ट्री पर आपको बाय करना है। चलिए एक काम करते हैं, चारों भी चारों ट्रेड रिकैप करते हैं, उसके बाद मैं एक स्टॉक डिस्कस करूंगा जो मुझे सोशल मीडिया पर भी बहुत लोगों ने पूछा है और हमारे जो यूट्यूब लाइव में और नीरज जी करते हैं उसमें लगातार पूछा जाता है। शुभम अग्रवाल ने सबसे पहले सस्ते ऑप्शन में इंडसइंड बैंक कॉन्ट्रा ट्रेड है, ये समय इंडसइंड बैंक स्ट्रांग है, इस समय 3-4 दिन से स्ट्रांग है, उसकी अप्रैल की कॉल बाय करनी है आपको 1040 की, इस समय 42 का टारगेट 27 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ये पहली ट्रेड होगी। राजेश पालिया जी ने उसके बाद सेल कॉल दिया एम्फेसिस पे और एम्फेसिस में एक फ्रेश ब्रेकडाउन, याद रखिए मिड कैप आईटी में सबसे बड़ा एक्सपोजर बीएफएसआई में एम्फेसिस का ही है और स्टॉप लॉस यहाँ 1708 का लगाना है आपको, 1645 और 1630 के आपको टारगेट रखने हैं। मेरे ख्याल से फ्यूचर्स भी आप शायद अप्रैल में ही करेंगे तो बेटर रहेगा। कविता जी ने चार्ट का चमत्कार में पिक किया मनप्पुरम, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया 114 का, बाय ऑन डिप्स की सैलरी 120 और 22 के टारगेट रखने हैं, और लेमन ट्री होटल्स ये है एक बाय कॉल इस समय नवीन सोलंकी जी की तरफ से, जिस तरीके से होटल्स का इस समय एक रूम रेट्स चल रहे हैं, 3-स्टार और 4-स्टार होटल के रेट्स जो है वो
तीन साल पहले उसमें आपको 5 स्टार मिल जाता था, अभी 3 या 4 स्टार भी नहीं मिलता है, तो एक वहां पर एक बाय कॉल। स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है वायदा का टॉप यूजर बंधन बैंक। एक बार बंधन बैंक लेकर आइए और बंधन बैंक का एक बार चार्ट देखिए आप, क्यों? क्योंकि एक ये स्टॉक था जो मुझे याद है हिस्टोरिकली गंदे से गंदी न्यूज पर भी 240 को डिफेंड करता था और वहां से फिर एक रैली देता था, एक ट्रेडिंग स्टॉक था मोर और लेस। लेकिन इस बार जब से 240 इस स्टॉक ने तोड़ा उसके बाद से इसमें लगातार एक वन वे डिक्लाइन स्टार्ट हुई है। एक बार इसने कोशिश की थी 215 से थोड़ा बाउंस दिखाने की, लेकिन अब देखिए इसका पैटर्न देखिए आप, ये तो आज का चार्ट हो गया, इसका एक साल का चार्ट देखिए, एक जिसे कहते हैं एक पोजिशनल शॉर्ट ट्रेडर्स डिलाइट। बीच बीच में रैलीज जरूर आती हैं लेकिन लगातार वन वे डिक्लाइन। किसी भी लेवल पर कभी भी बंधन बैंक आपने बेचा होगा तो आपका मुनाफा बना होगा। बाबा सर ये हो क्या रहा है इसमें, क्योंकि आप ये मिड कैप पीएसयू मिड कैप प्राइवेट बैंक्स को ट्रैक करते हैं अच्छे से, यहाँ पर क्या भी बन रहा है? 240 जो आपने लेवल बताया बहुत ही बढ़िया लेवल था, उसके बाद ऊपर लास्ट वन मंथ में सिर्फ 3 बार आपको मिला उसके ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं हुआ, सिर्फ एक बार हुआ नेक्स्ट डे डाउन, एक बार हुआ नेक्स्ट डे डाउन, वीकनेस काफी अपेरेंट है और जो उस पर जो लो बना था वो भी ब्रीच हो चुका। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बंधन बैंक 189 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मुझे 180 तक जाएगा और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। इस चार्ट में कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, जो रैलीज मिलेगी मेरे ख्याल से वो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेगी बंधन बैंक। जी और सही मायने में किसी ने बात बखूबी कही भी है मुझे कि ये निफ्टी जो है ये एकदम सही प्रतिबिंब नहीं है इस बाजार का, जिस प्रकार से ब्रेकडाउन इस बार हुए हैं विजिबल है स्क्रीन पे स्टॉक्स पे, डैमेज प्राइस वाइज स्टॉक्स फ्यूचर्स में ज्यादा हो चुका है बजाय के निफ्टी के। और आपके स्क्रीन पे जरा एक बार आप लिख आइए जुबिलेंट फूड्स, आज एक बार फिर से बैकफुट पे 4950 पे ट्रेड करता हुआ। और पावर स्पेस में जिन स्टॉक्स में वीकनेस है उसमें एक तो आपका टाटा पावर हो गया था जिसकी हमने बात भी की थी, एक बार आप एनटीपीसी लेके आइए, ये भी एक लोअर डिजिट्री में हैंग करता हुआ घूमता हुआ, इट्स 175.25 माइनस एनटीपीसी पे आपका टेक। और इनफैक्ट अभी मैंने जुबिलेंट फूड का भी उल्लेख किया, ये सारे के सारे वीक स्ट्रक्चर कोलैप्स होते हुए स्ट्रक्चर, इनमें से कोई शॉर्ट कॉल आपकी माइनस? देखिए ज्यादा जुबिलेंट फूड की बात है यहाँ पर अभी शॉर्ट करने की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, वीकनेस नहीं है। मेरा समझना है कि अगर ये 450 के ऊपर निकला तब तो खरीदारी करनी चाहिए और बिकवाली केवल और केवल जुबिलेंट फूड में 420 रुपए के नीचे करेंगे। एक बार एनटीपीसी के यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, टीटी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। अगर आपको ट्रेड लेना होगा शॉर्ट साइड पे तो करंट लेवल पे भी आप एनटीपीसी में एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस 173 के रहेंगे लेकिन नीचे की तरफ 168 तक के भाव आपको एनटीपीसी में देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए एक काम करते हैं यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। काफी सारे इंटरेस्टिंग चीजें आज बाजार में आपको दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहले पॉलिसी बाजार पे बात करते हैं और पीबी फिनटेक का शेयर कमजोर मार्केट में लगभग 1.25% की बढ़त के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसका रीजन काफी सिंपल है, IRDAI के जो नियम है यहां आपको बदलाव आते हुए दिखाई दिए हैं, जो पहले यूजुअली कमीशन और एक्सपेंसेस कैपिंग होती थी वो कैप अब IRDAI ने निकाल दी है। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो पहले कमीशंस शायद पीबी फिनटेक को मिलते थे इंश्योरेंस कंपनी से, एक पर्टिकुलर कैप था उस पर, अब शायद वो कैप से ज्यादा कमीशन इंश्योरेंस कंपनीज दे पाएंगी इंश्योरेंस एजेंट्स को इंक्लूडिंग पीबी फिनटेक, और शायद इसीलिए ये रूल के बदली होते हुए आपको ये स्टॉक में आपको खरीदारी दिखाई दे रही है। पीएनसी इंफ्रा ये स्टॉक भी फोकस में है, ये 800 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स इनको मिले हैं और ये L1 घोषित किए गए हैं हाईवे प्रोजेक्ट के लिए, जिसके कारण आज स्टॉक का लगभग 7-8% की तेजी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। और आखिर में कल्याण ज्वेलर्स, ये स्टॉक लास्ट जब मैंने चेक किया था 10% नीचे था, अभी भी लगभग 8-9% की मंदी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहां 110 रुपए के आसपास 2 करोड़ शेयर से ज्यादा की ब्लॉक डीलें हुई और डील होने के बाद स्टॉक में बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखा, स्टॉक वो डील प्राइस के आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके यतिन बहुत बहुत शुक्रिया सभी स्टॉक्स पे प्रकाश डालने के लिए। आपकी स्क्रीन पे पीएनसी इंफ्रा आज एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक 285.40 पे ट्रेड करता हुआ, पीबी इंफ्राटेक करीब करीब 587 पे और कल्याण ज्वेलर्स आपकी स्क्रीन पे 135 पे। अच्छा ये नरेंद्र जी, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को कैपिटल गुड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में रोड कंस्ट्रक्शन में क्या बाय करवाया इस दौर में? जी हाँ ये जो पूरा सेक्टर स्पेस है ये हम लोग का
ऑलरेडी स्पेस रहा है और अभी भी रहेगा। इसमें अगर आप ग्रोथ देखें तो कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग कंपनीज में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें आप दो तरीके से प्लेयर्स कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्योर प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एलएनटी हो गया, इवन और भी दूसरे मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, और एक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कि कंज्यूमेबल्स एंड कैपिटल गुड्स दोनों है। इसमें एलएनटी प्लस एनआरपी बेयरिंग्स है, इस टाइप के दूसरे भी स्टॉक्स हैं जिसमें अपन ले सकते हैं और पोजीशन बना सकते हैं। तो ये दोनों ही सेगमेंट काफी पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। इस बीच जरा एक बार प्लीज एचएल लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे, और आज 2643 पे फिर अपनी उस स्ट्रेंथ को जो उसने कल रिफ्लेक्ट की थी, याद रखिएगा कल इसने एक 100 डे एक्सपोनेंशियल में गया, एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक किया था, और चार सेशन से जो मेगा डिप था, आई मीन वो जो ऑफ ऑफर सेल के बाद, उसको बाजार ने हाथों हाथ लिया। 2642 ये स्टॉक अपने 20 डे मार्क को टेस्ट करता है। राजेश पालवे जी, आपकी राय क्या कह रही है? आई मीन 2642 मान लीजिए मैं कल कैरी कर रहा हूं, कल से लॉन्ग, अब ये अगर 2650 की यानी अपनी 20 डे मार्क की ट्रेजेक्ट्री मेरे ख्याल से 2654 पे प्लेस्ड है, अगर पार करता है तो कहां तक का स्विंग विजिबल है? वीरेन जी देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, जरूर इसमें एक ओएफएस के चलते एक डिप जरूर लिया स्टॉक में, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ पे करंट लेवल पे जिस तरीके से स्टॉक प्लेस्ड है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब 2610 के आसपास होगा। अगर ये लेवल नहीं टूटते हैं डाउन साइड में, तो हमें लगता है देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 2750 की अपसाइड यहाँ पे वापस पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से बाय किया जा सकता है, छोटी मोटी डिप में एड करें, 2610 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमीडिएट टारगेट आ सकते हैं वो होना चाहिए करीब 2680-2690 तक के, लेकिन पोजिशनली हमें ये स्टॉक काफी पसंद है। 2750 तक की अपसाइड के लिए हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। एचएल आपके स्क्रीन पे 2643 पे अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करता हुआ उस डैमेज के बाद, उस प्राइस आई थिंक डिप के बाद, और जो मैं मारुति का उल्लेख कर रहा था, जिक्र कर रहा था, देखिए मारुति क्या स्पीड से, क्या तेजी से, क्या तीव्रता से नीचे आया है। आज इसने इंटरडे हाई क्रिएट किया था, इट वाज 8360, नाउ इट्स 8242, दैट मींस ऊपर से 110 रुपए अभी जो प्रकाश टिप्पणी कर भी रहे थे स्लाइड हुआ। याद रखिएगा इसका एक बहुत शॉर्ट टर्म बेस करीब करीब 8213 के आसपास है, और मोर अडस्ट लग रहा है कि उस रीजन की तरफ जा रहा है। अच्छा मानस, इनफैक्ट आशीष बहती जी आप बताइएगा, कल हमने एमएनएम पे भी बात की थी, एमएनएम करीब करीब अब 1131 पे आ चुका है डे लो पर, और वो टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जिसका ब्रेकडाउन हम खेल रहे हैं कल से, परसों से, दिन पहले से भी, अभी खेलना चाहिए? और आपका टारगेट क्या है आपका यहाँ पर, एमएनएम की शॉर्ट पे या फिर मारुति की शॉर्ट पे? जी मैन जी, ये जो इन्वर्टेड फ्लैग जो की ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 9 मार्च से जो फ्लैग का पोल स्टार्ट हुआ था, गया और वहां से स्टार्ट हुई थी, और ये जो फ्लैग ब्रेकडाउन देखने मिला है, तो मुझे लगता है कि अगर जो लेवल सब यहाँ से निकल रहा है, करीब करीब यहाँ से ना 30 से 35 पॉइंट की फॉल और आते हुए देखने मिल सकती है, तो 1100 तक का लेवल इसमें आता हुआ देखने में मिल सकता है। जिनके पास भी शॉर्ट्स है बने रहे, सिर्फ 1150 का एक एसएल मेंटेन करें, मुझे लगता है कि 1100 एक मिनिमम सपोर्ट जोन है, शायद वहां स्टॉक वहां तक स्लाइड होता हुआ देखने में मिल सकता है। ओके, एमएनएम में लगातार वीकनेस रही है। चलिए अभी काम करते हैं, आज सारे के सारे गेस्ट को लेकर आते हैं, और आज आप सभी को शुक्रिया बोलूंगा मैं, आज हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी भी गेस्ट को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और पिछले 1.5 घंटे तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको धन्यवाद, हैव अ गुड डे। और अब एक काम करते हैं, अब शुरुआत करेंगे हम 10 के दमदार ट्रेड्स की।